माइक ठीक करते रहिएगा, थोड़ा सा ठीक है नहीं है, थोड़ा सा ठीक करिएगा। जरा देखना गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां कुमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान श्रुण्वन्नोतिविस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्येव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः, यशिव स गुरुस्मृतः, विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्दम्, संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये, आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। हमारे पीछे भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद,
कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हरे मुरारे हरे बोलिए जय कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरिओम हरिओम अगर आप अपने दिन को देखिए ऐसे अवसर ज्यादा आते हैं
कि मन में चिंता हो, जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ऐसे असर ज़्यादा आते, ठीक है, कुछ ठीक है, अच्छा वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। जब मन में डर हो, चिंता हो, आप सुन रहे हैं ना, हमको कि उनको, आप सिलेक्टेड लिसनिंग कर सकते हैं। ऐसे अवसर आते हैं जब डर लगे, ऐसे अवसर आते हैं जब क्रोध आए, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। एक दिन को आप देखिए, जब आप सब छोड़ के बैठे रहते, सब छोड़ के बैठ के बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि आप बोलेंगे कि हमें अब कुछ नहीं करना है। इस समय हम बस एक इच्छा है, इस समय आपके अंदर एक इच्छा है। इस समय आपके अंदर न कुछ बोलने की इच्छा है, न खाने की इच्छा है, न सोने की इच्छा है, ऐसी हमारी आशा है, न कहीं जाने की इच्छा है, न कहीं किसी से व्यवहार की इच्छा है। आपने इस समय अपने मन में एक ही इच्छा रखी है, और वो इच्छा है कि हम कुछ भगवान के बारे में सुनेंगे, कुछ सच के बारे में सुनेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां तक बोला, धन्य सो घरी जब सत्संगा। जिस परमेश्वर ने ये संजोग बनाया है, आप नहीं बना सकते थे, आपके हाथ में संजोग बनाना नहीं है। आप किसी घटना को जबरदस्ती नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फोर्स अ सिचुएशन टू हैपन। ठीक कह रहे हैं ना भाई, हमारे हाथ में नहीं था कि हम यहां आके बोल दें, और आपके हाथ में भी नहीं कि हम सुन लें, लेकिन कहीं से हम आए, आप आए इस जगह पे, आए, क्या नाम इस जगह का, हाँ अशोक, अशोक का रोड है वो। एक एक कई चीज जब बनती है तब एक हाँ तब जाके एक संजोग बनता है। कई चीज जो मिलाने वाला है ना, आप उसको धन्यवाद नहीं दीजिएगा। कोई एक गिलास पानी देता है, प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस से पानी मांगते हैं, फिर भी मेरे शौक से थैंक यू बोलते हैं, जबकि इतना पैसा ले लिया उसने, हमी को अच्छे से पानी पिला दिया। लेकिन जिस ईश्वर ने अपने को खुद देने के लिए प्रस्तुत किया है, आज इन 7 दिन में वो अपने आप को देगा। आपको नहीं पता वो क्या देगा, लेकिन अपने आप को देगा। हमको बुलाया, आपको बुलाया, उस परम पिता परमेश्वर को, उस गुरुदेव को, जिसने हम लोग को एक ऐसा प्यार दिया है, एक ऐसा ज्ञान दिया है, जब आप कहीं थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं एक कुशन है उसकी गोद का कि हम जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे भगवान को आप याद कर लें, हम भी याद कर लें। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? नहीं पड़ रहा है? और चाहिए वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम और चाहिए, एक स्पीकर उधर भी तो होना चाहिए। है एक है, अच्छा तो थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए आप, वो बोलने ही का हाँ? क्या हुआ, मैक्सिमम पे है, पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा है, लो है, आवाज कम है सर। अब ठीक है? अभी भी नहीं ठीक है? अच्छा, अभी भी ठीक नहीं है। एक आध स्पीकर और लगा दिया जाए। हैं?
मैक्सिमम है। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइएगा, अगर आपको तकलीफ हो रही हो ना सुनने में तो आप लोग आगे आ जाइएगा, और जिनको सुनाई ज्यादा देर हो पीछे चले। तो हमारा ये है, कुछ ठीक हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, समय से सेटल हो जाएगा, एक अपना माइंड भी ट्यून हो जाता है उस आवाज से धीरे धीरे। देखो श्रीमद् भागवत जो है ना किसी ग्रंथ का ही नाम नहीं है, इट इज नॉट द नेम ऑफ अ बुक। एक शब्द राशि है, एक ध्वनि राशि है, एक निश्चित ध्वनि राशि से कृष्ण, जिसमें कृष्ण अधिष्ठित हैं, उस शब्द राशि का नाम श्रीमद् भागवत है। फिर से बोल देते हैं, श्रीमद् भागवत इज नॉट द नेम ऑफ अ बुक। एक निश्चित शब्द राशि है, ध्वनि राशि है, और उस ध्वनि राशि में भगवान कृष्ण ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत बोली थी तब तो किताब से नहीं बोला होगा, सूत जी ने जब बोली थी तब तो बुक नहीं थी, एक शब्द राशि थी। और जब भगवान कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, हमको देखिए, जब भगवान कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा आप अपने धाम जा रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए तो कुछ यहाँ है नहीं। तो प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अरण्यम तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरे। तो उन्होंने अपने शक्ति को यहाँ डाल दिया, इस शब्द राशि में डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पीतल की मूर्ति होती है, एक मार्बल की मूर्ति होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। सुना होगा आपने कि प्राण प्रतिष्ठा किया गया और मूर्ति जागृत हो जाती है, मतलब मूर्ति जागृत होती, मतलब अनुग्रह सामर्थ्य आ जाता है, देती है मूर्ति, सुनती है, बोलती है। और ज्यादा अगर किसी भक्त ने उपासना कर दिया तो खा भी लेगी मूर्ति। हमने मूर्ति को खाते पीते देखा है, आप मत सोचिए कि पत्थर की मूर्ति है कोई। इसीलिए हम अगर बांके बिहारी जाइए तो वहां पर्दा लगाते रहते हैं, आपने देखा होगा, आप तो सब गए होंगे। उसका कारण ये है कि पहले ऐसा हुआ, कोई भक्त लोगों ने इतना ध्यान कर लिया और भगवान चल दिए वहां से। इसको थोड़ा सा अग्नि का शांत करेंगे क्या, कोई पुष्प से? हाँ, अग्नि को थोड़ा सा उनका सौम्य रूप आ जाए, थोड़ा ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी ले लीजिए, ये भी है, सौम्य रूप हो अग्नि का ना, जैसे हम लोग जैसे ऐसे करते अच्छे ही लगते हैं, भयंकर रूप में, ऐसे अभी सबका सौम्य रूप है, ऐसी हमारी आशा है। चलो धन्यवाद देवा का, धन्यवाद, ठीक हुआ, ध्यान दीजिएगा। जो मूर्ति होती है ना, चाहे वो मार्बल की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे शिवलिंग हो, जब कोई भक्त उसकी उपासना करता है, मूर्ति सुनती है, बोलती है,
अगर आप लोग अपने घर में रोज पूजा करते हैं तो आपको मूर्ति की भंगिमा बदली में हुई दिखेगी। वही मूर्ति रोज नहीं रहती है अगर आप करते हैं तो। कभी उनके अंदर मुस्कुराहट आती है, कभी क्रोध आता है। अगर आपने दो तीन दिन गड़बड़ सड़बड़ किया कुछ तो उनका चेहरा बदला दिखता है। तो जो श्रीमद् भागवत है भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, और जिस तरह से नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता अलग से, जो पत्थर नर्मदा जी में मिलते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें शंकर जी स्वयं विद्यमान है। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत की शब्दमयी मूर्ति है उसमें श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान है। इसको पकड़िएगा ध्यान से, मतलब समझ गए क्या मतलब? जो शब्द हैं श्री कृष्ण की शक्ति से आप्लावित हैं, शक्ति से विद्यमान वो है। और अगर कोई गलती से इसका पाठ करेगा, गलती से भी, या इसके साथ व्यवहार करेगा तो उसमें श्री कृष्ण की शक्ति आ जाएगी। हमारे महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी बताते थे, एक बार कोई प्रेत आया उनके पास। प्रेत आया मतलब किसी आदमी के ऊपर चढ़कर आया होगा, अभी आप में तो नहीं है ऐसा कोई, लेकिन एक प्रेत आया। बोले हम भटक रहे हैं, हमको जो है भागवत सुना दो। वो खुलेआम बोलते थे इस बात, बद्रीनाथ में हमको भागवत सुना दो, हम मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, शर्त यह है कि तुमको बताना पड़ेगा आके, हम भागवत करेंगे। वो बद्रीनाथ गए और वहां पे उन्होंने भागवत किया। 7 दिन के बाद वो व्यक्ति आया और उसकी आवाज बदली, भाव बगड़ा, आंख बदली, और उसने बोला हम बैकुंठ जा रहे हैं। हाँ, उसको ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये पुस्तक की तरह मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है। इसे नमक की शक्ति होती है, शक्कर की शक्ति होती है, उसी तरह से हर वस्तु की एक शक्ति है, श्रीमद् भागवत की एक शक्ति है। इसलिए लिखा है प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आरण्यम तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरे। यहां हरि का ही प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो जो पहला है ये महात्म का एक भाग है, उसके एक दो बातें हैं, हम उसको देखते हैं। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, आपको सुन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सुनिए आप, और ऐसा सुनिए कि आप कि मन में भगवान एकदम नाचे गाए हैं। ये 7 दिन आपका नहीं है, ये 7, ये जो 6 घंटे आपके नहीं है, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, जाने मत दीजिए, आने दीजिए सारे। देखो मुख्य बात क्या है श्रीमद् भागवत में, लोग बोलते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए स्वामी जी। हमने कहा देख कौन रहा है, जैसे कोई मोक्ष लोगे ले लो भाई, लड्डू है क्या कोई, आओ ले लो तुमको मोक्ष देते हैं, लो कल सुबह तक मुक्त हो जाओगे। चलो तुम तो जानते नहीं मोक्ष क्या है। मोक्ष बोलते हैं, हम बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ अच्छा, श्रुतिका बोल देंगे तब, अगर कुछ भी ना हो तो हाथ उठा देना। वो एकदम पीछे वालों को सुनाई पड़ना चाहिए, आप लोग आए हैं ठीक है ना? अच्छा धन्यवाद। मोक्ष मतलब होता है सेटल होना। लोग हमसे पूछते हैं हम डरबन में सेटल हो गया क्या? कभी कभी शादी होती है तो वो लोग पूछते हैं तुम सेटल हो गए पार्टनर के साथ? पता नहीं आप सेटल हुए कि नहीं, अब बताइएगा बाद में। अच्छा घर में सेटल हो गए, बिजनेस में सेटल हो गए,
हम आपको एक बात बोलते हैं, आप कहीं सेटल नहीं हो सकते। सेटल होने का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे कोई कर्तृत्व न रहे, जहाँ में कुछ करना ना हो। नंबर दो, कुछ हमें किसी चीज से भय न लगे। नंबर तीन, पूर्णता की अनुभूति हो। तो कहां पे कुछ करना ना हो, किसी से डर ना हो, पूर्णता की अनुभूति ना हो, हम निर्द्वंद हो, इसका चार चीज का नाम है सेटल होना। फिर से बोल देते हैं, आप सुन रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ कुछ करना ना हो, संडे हो रोज। एक बच्चा था, उसने कहा, हमने कहा तुमको कौन मंत्र अच्छा लगता है, कहा पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हमने कहा तो ये प्रवचन तुम समझते हो इसका मतलब, बोले हाँ, प्रवचन खत्म हो जाता है इससे। हमने कहा और कोई मंत्र, कहा ब्रह्मार्पणम, इससे भोजन मिल जाता है। फिर हमने अगला प्रश्न नहीं पूछा, बदमाश था थोड़ा। सेटल होना मतलब हमें कुछ करना नहीं है। अब अभी आपसे बोला जाए कुछ, आप शब्द बोल दीजिएगा यहाँ पे, वो टफ थैंक्स दे दीजिएगा। इतना डर लगता है, मतलब मर गए यार, मर गए आज तो। ऐसी जब स्थिति आती है कि हमें कुछ करना नहीं है कभी भी, ये पहली कंडीशन है। अभी तो इतना दिन में इतने करता है अंदर की धक्का लगाते रहते हैं, सब्जी बनाना है, घर जाना है, हाँ उनसे मिलना है, वहाँ बिजनेस है, वो है, वहाँ बात करना है, ये ढेर सारे कर्ता भोक्ता का एक धक्का अंदर, भीड़ भाड़ है। ये कर्ता भोक्ता ज्ञाता का जो भीड़ भाड़ है अंदर, जो एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, भोजन करने से समय लगा कि इसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस जाने से समय लगा कि बॉस का फोन आया है, क्या बोला भाई, अरे बोलो भाई उसको क्या हुआ। लोग ड्राइव करते हैं, खाते जाते हैं, ये जो ढेर सारे काम है हमारे पास, कभी मुक्त नहीं हो सकते कि सब शांत हो जाए सारा काम, ऐसा हो सकता है। करना है सोना नहीं, उसके बाद ये सो गए, वो नहीं है। जहां पे करना है हमें ये अनुभूति नहीं है, नंबर एक, हमें किसी चीज से डर भी नहीं है, सांप भी आ जाए तो भी डर नहीं है, शेर भी आ जाए तो भी डर नहीं है। अभयम वही प्राप्तोसि जनक, बृहदारण्यक में एक मंत्र आता है कि हे जनक, तुमने अभय पद प्राप्त कर लिया। इसको बोलते हैं सेटल होना। दो बात हो गई। लोग बोलते हैं स्वामी जी मरने की फुर्सत नहीं है, इसे आपको खुद मरना है क्या, यमराज हैं, आप चिंता ना करिए, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, चला चली का खेल आजकल में, तो यमराज आ ही जाएंगे अपने पास। हमको बचपन में अनुभव हुआ, एक बार किसी घर में हम थे, तो एक अम्मा थी लेटी हुई डेथ बेड पर थी, बोले सुनो एक काला आदमी आ गया है, और दो आए उसके साथ छोटे, और एक बड़ा है, बचा लो हमको, आगे हमको कह रहा, हमको खींच रहा है। हम तो 10 साल के थे, हमको भी डर लगा, हम तो भाग गए, हमको लगा कहीं मिस कर जाए उनको, हमको ना ले ले। भाई यमराज से भी मिस्टेक हो जाती है आजकल, हाँ सॉरी यमदूत, यमदूत कभी कभी दूसरे को लेके चल देता है, ऐसे केसेस आते हैं, पता लगा यमराज के पास गया, बोले दूसरे को ले आए, बहुत डांट पड़ती, बोले जाओ उसको वापस करो, उसका शरीर है अभी भी। पता नहीं आपको किसी को अनुभव हुआ कि नहीं, तो मृत्यु हो गई थी, फिर वापस प्राण आ गया, यहाँ लोग सब तैयारी कर गए थे। जीवन में जो डर की अनुभूति होती है वो बताता है कि आपके मन में किसी वस्तु के प्रति राग है, अच्छा है, इच्छा नहीं है तो डर नहीं है। देहाभिमान जो है वो डर के रूप में प्रकट होता है, तो डर की अनुभूति हमारी नहीं है, ठीक है। सेटल होने को समझिएगा जरा, इसी को मोक्ष बोलते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
महात्माओं को डर नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कहां किसकी मृत्यु होनी है। दो बात हो गई, हमको लगता है ये हमारे इतनी आसक्ति है बेटे से, बेटी से, भाई से, बहन से, हर जगह से डर रहता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हो ना हो ना हो क्या। मोक्ष इज नॉट समथिंग हमको अटेन करना है। दो बात हो गई, ये होना, ये हमारा ये जॉब ना चली जाए। अरे चली जाए, हमारी जॉब ही नहीं क्या जाएगी। हम लोग जब ब्रह्मचारी बने तो हमारे पास एक चेक आया, उस समय उसी दिन दीक्षा हुई थी तो बड़ा एक्साइटमेंट था सबको। तो बॉम्बे के एक चेक आया, बोले ब्रह्मचारी जी व्हाट इज योर फ्यूचर। हमने कहा हम लोग यही सोचा कि काली नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है, हमारे तो कोई फ्यूचर है नहीं, हमें ना कुछ बनना है, ना कहीं जाना है, ना आना है, हमें कोई डर है नहीं कि हमारी कोई चीज खो जाएगी, और ऐसी कोई खुशी नहीं कोई चीज मिल जाएगी। पावा कहे सो बावरा, खोया सहे कहे सो क्रूर, पावा खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। पावा कहे सो बावरा और खोया कहे सो क्रूर, पावा खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। ये जो अहम की अनुभूति है इसका नाम है निर्द्वंद्वता। भागवत आपको वही, आप सेटल होना चाहते हैं कहीं पे, बोले हम शादी में सेटल होने कभी नहीं होंगे। जगत में कोई सेटल हो ही नहीं सकता है, मैरिड लाइफ कभी सेटल हो ही नहीं सकती, समझ गए ना, कि मतलब दूसरे से डर ना लगे। बिल्कुल डर लगता है, अच्छी पत्नी ना हो तो डर लगता ही है, अच्छे पति ना हो तो डर लगता ही है, अच्छा हो तो भी डर लगता है, दोनों केस में डर लगता है। एक में ये डर लगता है कि कहीं फिर से ना कुछ मूड बदल जाए, और दूसरे में डर लगता है कहीं दूर ना हो जाए। दोनों तरह से डर लगता है, पति पत्नी में डर खत्म हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर डर खत्म हो ही नहीं सकता, बच्चे भी हो डर ना हो सकता है ऐसा। अच्छा माता पिता हो उनको लेके डर खत्म हो ही नहीं सकता, बताइए क्यों। अगर माता पिता हैं तो जो उनकी उम्र बढ़ती है तो डर बढ़ता है उनके साथ, कहीं गिर ना जाए। अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप रात में, उनको अच्छा उनको नहीं डर लगता, क्यों चले जाते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं रात, गिर जाइएगा, दो बार गिर चुके हैं आप। जीवन में डर जा ही नहीं सकता, आपको बता रहे दुनिया में आप कहीं सेटल हो ही नहीं सकते। बोले हम जॉब में सेटल हो गए, क्या बात कर रहे हो यार, एक हफ्ते छुट्टी लेकर दिखाओ दिखाओ, 10 फोन आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ हो। बोले भागवत सुन, बोलेंगे वापस मत आना, वहीं रह जाओ। और जिनके पति पत्नी अगर आप अकेले आए हैं ना, हाँ, और यहाँ फोन करिए घर में, तब देखिए क्या हाल होता है लोगों का। वो कहेंगे तुम यही वही तुम भी स्वामी बन जाओ ना, रह रहे के वहीं जा रही हो, रह रहे के वहीं जा रहे हो आप। कहीं पे भी जीवन में कहीं पे भी आपको सेटल ना, परिवार में से कोई सेटल हो सकता है, ना धन में हो सकता है। अच्छा कई लोग यहाँ पैसे वाले हैं, आप लोग ही पैसे वाले हैं, आप बोल सकते हैं कि हमें सफिशियंट पैसा मिल गया, नहीं जरूरत है, कोई बोल नहीं रहा है। करोड़ों हैं भाई आपके पास, कोई एकाध लाख है बैंक अकाउंट में, आपके करोड़ों हैं, कितना करिएगा, लेकिन फिर भी बोलेंगे पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए हमें। मनी में आप सेटल नहीं हो सकते, रिलेशन में नहीं हो सकते, फैमिली में नहीं हो सकते, कोई भगवान के अलावा और आत्मा के अलावा कहीं पे शांति है ही नहीं। आपको जो एक्सरसाइज करना हो कर लीजिए आप। लोग मून हुआ है, चंद्रमा हुआ है, वापस आ गए। और नील आर्मस्ट्रांग को हम एक बार पढ़ रहे थे, जो बड़े डिप्रेस रहते थे, चंद्रमा से यहां हुआ है। ब्रह्मलोक हुआ ये आप,
ये बात अलग है कि भारत अपना झंडा चंद्रमा में भेज देता है और कुछ लोग चंद्रमा को अपने झंडे में लगा देते हैं। कुछ लोग चंद्रमा में झंडा झंडा भेजते हैं, कुछ लोग बेचारे अपने चंद्रमा को झंडे में लगाते हैं। हम आपसे बोले ये जो अहम में और ईश्वर में आप कहीं और कहीं पे आपको न निर्द्वंद्वता दिखती है न उसके अंदर कुछ करना नहीं है, हमें ये अनुभूति नहीं आती। कुछ करना नहीं है लेकिन सब कुछ पा गए हैं, सब कुछ पाने की अनुभूति बिना कुछ किए, इसका नाम मोक्ष। बिना कहीं जाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बिना कुछ खाए, बिना किसी से मिले, जो सब कुछ मिलने की अनुभूति है, इसी का नाम मोक्ष है। कहाँ परेशान है, कहाँ जाइएगा, कहाँ ऑफिस, कहाँ कोर्ट, कहाँ घर, कहाँ यही रहिए, चलिए भजन वजन करते हैं, खाने वाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। नहीं, ग्रैंडसन से मिलना है, किसी से मिलना नहीं। हम लोग या तो कुछ खींचते हैं तो कुछ फेंकते हैं, इसी का नाम टायर्डनेस है। थकावट इज नॉट फिजिकल, इट इज मोर इन पुशिंग एंड पुलिंग। चले ना आगे। तो श्रीमद् भागवत का जो मुख्य टॉपिक है वो आश्रय तत्व है। दस दस टॉपिक है श्रीमद् भागवत, दूसरे स्कंद में आएगा, और उस आश्रय का नाम मोक्ष है। वही मुख्य विषय है, जो नौ विषय है वो दसवें के लिए है। नवानाम तो दशमस्यार्थम। नौ विषय क्या क्या है? अत्र सर्गो विसर्गो वा स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो जो नौ है वो दसवें के लिए। आप परेशान मत होइए, बोले क्या क्या हम यार लिख तो लें, कोई बात नहीं, आनंद में रहिए आप। बोले सो जाए, नहीं नहीं आप सोइए मत। उस सटल होने के लिए इसका नाम मोक्ष है। अहम में कितना अच्छा होगा वो दिन, कभी सोचिएगा कि आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है, किसी की सुनना नहीं है। हाँ, कभी कभी प्रवचन सुनने के 7 दिन के बाद किसी ने हमसे बोला कि स्वामी आपने बहुत सुनाया। पता नहीं क्या मतलब था उसका, अले आपने बहुत सुनाया। देखो एक 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 हायर एक एक बड़ा अनुभव है। महात्म्य बोला है कि जो श्रीमद् भागवत के पास जाता है, भागवत उसको अहम में और ईश्वर में सेटल कर देते, अहम में उसकी स्थिति हो जाती, ईश्वर में स्थिति हो जाती। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ जाएंगे, चलिए भजन करते हैं, शांति से रहते हैं, क्या है। बोले नहीं आज क्या हुआ, आलू नहीं आया, सब्जी नहीं आई, दामाद आए थे वो आए नहीं, दमालू आ गया। वो लड़की की शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, हमारी परेशानी कोई दूसरा ले नहीं रहा है। ये जो अपने अंदर कुछ बिना करे जो एक असंतोष है, बिना कुछ मिले असंतोष है, इसी का नाम बंधन है। जो 5-6 अध्याय हैं, 6 अध्याय जो महात्म्य है पद्म पुराण के, चले ना आप सुनते रहिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो समझ में आ जाएगा। नारद जी घूमते रहते हैं यहाँ, हम जरा संक्षेप करेंगे क्योंकि हमारा विषय, और घूमते घूमते नारद जी इतने परेशान हो जाते हैं, उनको दुख होता है। जानते क्या दुख होता है उनको? हर जगह धर्म है, परेशानी है। तो उनके भाई थे सनत कुमार, उन्होंने कहा भाई तुम परेशान क्यों, क्या हो गया तुमको? तवेयम तवेदम मुक्त संगस्य इदानीम शून्य चित्तोस्मि।
चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, गृहस्थ लोग परेशान हो, स्वयं यथा सन्यासी परेशान हो। भाई गृहस्थ परेशान हो, कुछ समस्या होगी, घर वाले कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन सन्यासी को तो परेशान नहीं होना चाहिए था। आपको क्या समस्या होगी, तुम क्यों परेशान हो भाई? नारद जी से उन्होंने पूछा। किसने? सनत कुमार ने। आप सुनते रहिएगा। बोले तुमको क्या परेशानी मिलेगी? तो इन्होंने कहा भाई परेशानी यही है कि हर जगह जा रहे वहां धर्म नहीं है, कलयुग का समय। अच्छा हाँ। बोले क्या देखा तुमने? तो आपने सुना होगा ये कथा, क्या कि वृंदावन जाते हैं वो, वहां एक सुंदर सी स्त्री रहती है और उसके सामने दो पुरुष जो वृद्ध होते हैं वो एकदम मूर्छित से रहते हैं। तो कही कौन है? बोले मेरा नाम भक्ति है। बोलिए। और ये दोनों? ज्ञान और वैराग्य। सुनाई है आपने? हाँ। बोले आप इनको जगाइए, जाग ही नहीं रहे हैं, हमें वृद्ध होना चाहिए था। देखो भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य चाहिए, नहीं तो भक्ति रोती है, हम लोग का प्रेम रोता है। अगर आपका कहीं भी प्रेम होगा ईश्वर के अलावा तो आप रोते रहिएगा। मतलब प्रेम होना, प्रेम तो है ही कहीं ना कहीं से ना आपका, ये तो संभव ही नहीं कि आपका प्रेम कहीं भी ना हो। शरीर से होगा, परिवार से होगा, धन से होगा, अहंकार से होगा, बेटे बेटी से होगा। क्यों भाई? बोलिए ना। शायद अपने घर से हो, शायद अपने डॉगी से हो। डॉगी से भी प्रेम होता है भाई। हाँ, अगर डॉगी का प्राण चला जाता है, तुमने यहां तक सुना लोग उस दिन भोजन नहीं करते हैं, ऐसा सुना हमने। हाँ, वो भोजन नहीं करते, दे आर वेरी सैड कि हमारा इसका प्राण चला गया। बोले डोंट कॉल डॉगी, ही इज माय मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसा बोलते हैं। बोले हमारे घर का सदस्य है ये। अच्छा हाँ, उसको बहुत प्यार देते हैं। उसका कारण यही है कि वो आपको रिस्पॉन्ड देता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, और तो कोई देता नहीं, जानते सब आपको जानते हैं। आप 12 बजे रात घर आए, कोई सब तो सो रहे हैं और कुछ सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, और वो बेचारा आता है आपके ऊपर कूदता है, ऐसे 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 जो कूदता है, ही इज मेकिंग यू फील दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और आप प्रसन्न हो जाते, ऐसे ऐसे किया, आपके पास आएगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, ऐसे ऐसे करेगा, आपके गोद पे बैठ जाएगा। बाकी लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज दे नो यू वेल, तो वो तो जानता नहीं। हमें इतना रिस्पांस मिलता है कि उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो मेंबर ऑफ द फैमिली हो गया। आइसक्रीम आप भी खाए, वो भी खा रहा है। अभी तो लोग कपड़ा पहनाते हैं उसको, स्वेटर वगैरह पहनाते हैं उसको। हम गए थे अभी गोवा, किसी क्या हो कपड़ा पहने था, गर्मी में भी कपड़ा पहने था वो, ये ना कपड़ा पहने था वो। हाँ, सूट वगैरह होता है, शैम्पू होता है उनका, डरबन में शैम्पू करवाते हैं, अपना नहीं करते उसका करवाते हैं। भाई हम आपसे एक बात बोलते हैं, प्रेम तो आपका कहीं ना कहीं से है। आप हमको बताइए, आपके प्रेम ने जीवन में आपको कष्ट नहीं दिया था? हम लोग की भक्ति नहीं रोई, भक्ति मतलब प्रेम नहीं रोया। हमने तो नहीं कुछ आपको ट्रबल किया, लेकिन जब प्रेम के साथ राग होता है तो आप जो रिस्पांस चाहते हैं, जो पजेस करते हैं उसको। प्रेम के साथ एक आदमी की इंडिस्पेंसिबिलिटी हो जाती है कि हमसे बात तो करे नहीं तुमने, आज उससे बात कर रहे हो, हमसे बात ही नहीं करे, हम तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें चिंता हो रही है तुम्हारी। क्या चिंता हो रही है? बस क्या होगा तुम्हारा, हमारा जो होगा होगा, नहीं क्या होगा तुम्हारा। प्रेम आपकी आसक्ति हो और चिंता ना हो, आप रोए हैं और कहीं प्रेम ना हो, हा हा हा,
भक्ति रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग मूर्छित हैं, और तीनों साथ रहते हैं तभी खुश रहते हैं। मतलब हमारा दुख हो जाएगा ही नहीं जब तक कि हमारा वैराग फिर से जीवित ना हो जाए। अरे अहंकार से प्रेम हो तब देखियो क्या मजा आता है, इसमें तो क्या बोलना कुछ। हरिओम बोले, हमने हरिओम किया, उन्होंने हरिओम जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया बस, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो देवता है, बोले हम आगे से कभी बातें नहीं करी उनसे। हमने उनको बोला और उन्होंने हमसे बात नहीं किया, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अरे देखो अहंकार अति दुखद मरुआ, गोस्वामी जी बोलते हैं, इतना कष्ट देता है अहंकार, क्योंकि आपको कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं देता है जो कि आपके अहंकार की भूख होती है। अगर भूख इतनी हो और रिस्पॉन्स इतना मिल जाए तब तो खुश हम होंगे, भूख है इतनी रिस्पॉन्स इतना मिला। दुख नाम की चीज नहीं है, हमारे वैराग्यहीन प्रेम का नाम दुख है। डिस्पैशनलेस लव इज कॉल्ड सॉरो। हमने पजेस किया किसी को, हमने किसी के साथ हमने मांगा कुछ, और जब भक्ति होती है ध्यान दीजिएगा तो आदमी जो है ना ईश्वर उन्मुख हो जाता है। इसीलिए इन्होंने बोला, भक्ति माँ ने बोला किससे, नारद जी से, कि आप कुछ ऐसा करो कि ये दोनों जीवित हो जाए। तो नारद जी ने कहा देखो सबसे पहली बात ये है, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। बोले देवी जी आप दुखी मत हो, भगवान का स्मरण करो। हर बात में एक ऐसा टॉपिक, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है हम क्या करें, हम क्या करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, जो हमसे करना था कर दिया हमने। अगर आपके पास भक्ति है तो उस पॉइंट पे आप भगवान के कर्तृत्व को बुला लेते हैं। भगवान भगवान प्रेम मतलब ईश्वर आपके जीवन में समर्थकर्ता बन गया है। अगर आपका हमसे प्रेम है, मान लीजिए बोलते ही नहीं आप, मान लीजिए हम कहाँ करें प्रेम करने के, तो आप हमारे जीवन में हमारा कुछ काम लेंगे। बोले अगर आपने कह दिया तो नहीं ना, मतलब मान लीजिए अगर आपका हमसे प्रेम है तो आपको लगेगा कि स्वामी जी का क्या काम हम ले सकते हैं, क्या हम काम करें, कुछ लिखें हम, कुछ पढ़ें हम, हम क्या सेवा कर सकते हैं। प्रेम करने का मतलब होता है जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसका कोई काम हमने अपना ले लिया, उसका कोई दुख हमने ले लिया और अपना सुख दे दिया, इसी का नाम प्रेम होता है। उल्टा मत बोलिएगा, हाँ कि हमने उसको दुख दे दिया और अपना काम भी दे दिया, इसका नाम प्रेम नहीं होता। अगर हमारा आपसे प्रेम है, आपका हमसे प्रेम है, तो आपकी इच्छा होती है अच्छा आपका क्या प्रेम है, कुछ लिखना है, कुछ आप खाने का बना के दे दें आपको, कुछ आपके लिए स्वेटर ले आए, शॉल ले आए, कुछ हम बना दें, कुछ बुकमार्क दे दें आप, बुकमार्क आपका है, और नहीं अगर हम बोलेंगे तो खोज लेंगे कि आपको चाहिए क्या। This is called love. Love is not that I give you new work और आपको दुख दिया हमने। ये आसक्ति में हम दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे को काम देते हैं, और प्रेम में दूसरे का दुख लेते हैं, दूसरे का काम ले लेते हैं। If you are attached, you will give more work to the person and you give more sorrow to the person. And if you have real love, you will take his work and you will take his sorrow. अगर ईश्वर का हमसे प्रेम है हमारा काम करेगा। हा क्या बात है, ईश्वर का हमसे प्रेम हो गया तो ईश्वर हमारा काम करना शुरू कर देता है, और ईश्वर का हमसे प्रेम हुआ ईश्वर हमारा दुख लेना शुरू कर देता है।
ये जो अनुभूति आपको जिस समय होनी शुरू हो जाएगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। किसने किया आपका काम? भगवान ने करा। काम तो आप बहुत कर रहे हैं, आपको लग रहा है काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई कर रहा है, अच्छा। हम आपको बोले एक बार नहीं, हजारों बार ये अनुभूति हुई हमारी। नए नए ब्रह्मचारी बन के गए हम इंदौर में, कहीं एक प्रश्न उत्तर हो रहा था, क्वेश्चन आंसर हो रहा था, तो किसी ने एक उपनिषद का प्रश्न पूछा, हमने पढ़ा ही नहीं था ठीक से उसको, हमने कहा देखिए पता तो नहीं लेकिन हम उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं आपको। हमने कहा हम भगवान का नाम लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम लिए, भगवान इसका उत्तर बताओ, और जो उत्तर उसका आया, हमने किताब में खोजा वही उत्तर था। जब तक कि आपको ये अनुभूति नहीं होगी कि हमारा काम कोई और कर देता है, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। प्रेम होगा ही किसी मनुष्य से तब होता है जब को लगता है कि इसने हमको बहुत दिया है, हमारी इसने चिंता हटा दिया। श्री राम जी सीता जी की खोज के लिए बहुत परेशान थे, कोई बता दे, कोई बता दे कहाँ है, कोई बता दे कहाँ है, कोई समाचार तो हमारा दे दे, हमारी बात पहुंचा दे। हनुमान जी ने सीता जी का समाचार पता लगाया, उनकी बात बताई, उनका जो चूड़ामणि था वो दिया, भगवान राम को बोलना पड़ा ता तो ही उरण मैं नाही। प्रेम करना मतलब कि हमने दूसरे का कोई काम ले लिया, दूसरे के कोई दुख ले लिया, दूसरे की कोई चिंता ले ली, दूसरे का कोई डर ले लिया, ठीक है ना। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करेगा आपको बहुत काम नहीं करवाएगा, वो आपके काम में अवतार लेगा। आपके कर्म में अवतार लेगा, आपके हाथ, ठीक है। ये संसारी लोग नहीं प्रेम करेंगे, ये तो आपसे काम करवाएंगे, तो यहां लोग मिलते हैं बोले इससे क्या काम निकलवाया जाए, तो इसलिए पहले पूछना आप क्या करते हैं, पहले पता लगा लेते हैं आप क्या करते हैं। तो बोले हम उस डिपार्टमेंट में, अच्छा बिजनेस है, हाँ कहाँ है का बिजनेस है भाई दबे, आप समझ रहे हैं ना निशाना कहाँ है। नहीं हमारा वाटर बॉटल का बिजनेस है। अच्छा वाटर बॉटल का बिजनेस है, अच्छा 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 अच्छा, आप कार्ड दीजिएगा। यहाँ सबको लग रहा है कि अब इससे कुछ ना कुछ हम करवा लेते हैं। भगवान हमारे पास आता है, ऐसे ही लोग साधु बन जाते हैं। आपको ये लगा कि नहीं लगा कि हमारा काम, हम किसी घर गए, हम तो घर जाते हैं सीखने के लिए, आपके पास आए हमको लगता है हम क्या सीख लें आपसे। एक अम्मा थी, न चल पाए न उठ पाए न बैठ पाए, और हमको बुला लिया भिक्षा पर, एनीवे, और हमको नहीं उठने दें, बोले आप बैठे रहोगे आप। हमने कहा आप कैसे काम करते हो, जानते हैं क्या बोला, जिस दिन सुबह भगवान का नाम खूब ले लेते हैं चल लेते हैं, जिस दिन नहीं ले पाते नहीं चल पाते, बहुत काम करते हैं हमारा भगवान। ये हाथ ये अकड़ गई उंगली, अच्छा हाँ रोटी नहीं ऐसे हम बना पाते, तो बनाना होता है तो ये उंगली ऐसे चाहिए। हमने कहा ये कैसे होता है, बोले बस राम राम लेते रहते, नाम लेते रहते उंगली ठीक होने लगती है। भक्ति तो तब आती है जब आपको लगे कि हम नहीं चलते अकेले, हम नहीं बैठते अकेले, हम नहीं खाते अकेले, हम नहीं बोलते अकेले, हम नहीं हंसते अकेले, हम नहीं रोते अकेले। बस
ठीक है. यू लिव इन एश्योरेंस, यू डोंट नीड इंश्योरेंस. आई एम एश्योर्ड. अकेले खा रहे हैं क्या? अकेले सुन रहे हैं कि बैठे हैं आपके साथ? हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं सो रहे हैं, हम तो उनकी गोद में सर रख के सोता थे. हम अकेले नहीं सोते, हम तो कहते हैं भगवान हम तो बच्चे हैं ना, बच्चे को तो माँ चाहिए सोने के टाइम. बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ छोटे बच्चे रहिएगा भगवान के साथ. मैं शिशु से सने प्रतिपाला, लक्ष्मण जी बोलते हैं हम आपके दूध पीते बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं है, दूध मुख. रामायण में एक शब्द है दूध मुख, आई एम सकलिंग चाइल्ड. उसको माँ चाहिए, सोते समय उनको सुनाना पड़ता है बच्चों को. आपने सुलाया होगा शायद, हाँ हाँ. उन्हें बहुत चिल्लाते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, फिर आपको ऐसे सुनाना पड़ता है, ऐसे आ जाओ सो जाओ, ऐसे से करना पड़ता है. रॉक क्या करते हैं, रॉक करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे. हमें कोई अनुभव नहीं है भाई, लेकिन वो उठाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे. आप बच्चे नहीं बन पाते भगवान के सामने, वो भूख सुलाता है आपको, हम तो उसके पास ही सोते हैं. हम तो अपने भगवान के गोद में सर रख के, हम उनको लगता है भगवान सुला दो, थोड़ा थक गए आज तो, उनका हाथ हमें यहाँ मालूम पड़ता है. हाँ बंद कर लें. जब तक कि आप कोई अनुभव नहीं होगा, कोई हमारा बहुत प्यार करता है, किसी ने हमको बहुत प्यार दिया है, और जानते हैं भक्ति निपति कब है? भक्ति निपति तब है जब कहीं और हमारा सहारा नहीं रहता. फिर से बोल देते हैं ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था हमने? कहीं पे हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, कुछ चाहिए और हमें सारा सुख मिल गया, इसी का नाम वैराग्य है. वैराग्य मतलब होता है कि जीवन में, इसको बंद कर ले पंडित जी, बंद कर ले, ऑफ कर ले, भगवान से कॉल ना आए तो वैराग्य मतलब होता है आपको भगवान से इतने सोल्यूशन मिल जाते हैं कि हमें कहीं सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति. क्या चाहिए आपको, सब मिल दे देगा भगवान. ये नानक जी ने बोला भक्ति माँ को, बोले तो आप भक्तियों के क्यों दुखी करते हैं, ये आप क्यों दुख होता है? दुख मतलब अकेलेपन की अनुभूति किसी इशू पे. नई नई परिभाषा बताएंगे आपको. किसी इशू पे आपको लगता है कि हमारा यहां पे कोई है नहीं. चिंतन इति गोविंदम स्मार यामास भार्गव. भगवान का ऐसा चिंतन करने लगे नारद जी, ऐसा बोलते बोलते, अकेले हैं हमारा क्या होगा पता नहीं इनको. अच्छा तुमको बताते हैं, तुमको ज्ञान वैराग. अब ये गए जगह जगह आश्रमों में नारद जी, कि ज्ञान वैराग को कैसे, जो मूर्छित थे उनको कैसे जीवंत किया जाए. अगर प्यार ना हो तो आप यहां बैठे नहीं होते, अगर आपको भगवान प्रेम न करते तो आपको बैठाते नहीं यहाँ पे, हमको नहीं बैठाते. प्रेम मतलब पता है ना, फेवर करना, फेवर करना, न्याय नहीं करना. अगर सारे कर्म को ही देखा जाए तो हमको, हमारे तो अधिकार ही नहीं यहां बैठने का. ये जजमेंट नहीं भगवान करता कि आप क्या करते हैं, जजमेंट का एरिया नहीं है वो. गलती हो गई हमसे, नहीं फिर भी हम तुमको प्यार, जो प्यार करते हैं ना आपकी तरफ झुक जाता है थोड़ा सा, बोले थोड़ा फेवर करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है,
ये सांप ने पूरा वही कॉर्नर है। अर्जुन के लिए भगवान का सांप कॉर्नर नहीं था, पूरा ही कॉर्नर वही था, सब कुछ देते थे। इतना प्यार करते थे कि अर्जुन के जूठा खा लेते थे। इतना प्यार करते थे भगवान कि अर्जुन की गोद में अपना सर रख के सो जाते थे। ये सब प्यार है, मतलब आपको वो मिला उससे जो दूसरे को नहीं मिला। भगवान का स्मरण करा और फिर कहा अच्छा वो क्या साधन है जिससे कि ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाए। किसने बोला? नारद जी ने कहा। तब उन्होंने तपस्या, हर चीज पकी पकाई नहीं मिलती लाइफ में। हाँ, तुरंत हमने गूगल कर दिया, इसको मिल गया, गूगल आनंद आ गया। तो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उसका लाभ कम होता है। साले तीर्थ जो है, बद्रीनाथ ऊपर चढ़ के, केदारनाथ ऊपर चढ़ के, वैष्णवी देवी ऊपर चढ़ के, हेलीकॉप्टर के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता है केदारनाथ में। तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, आया ही नहीं हेलीकॉप्टर, आया था दूसरा ग्रुप चला गया, हम बैठे थे दूसरा को चला गया। वहां जाइएगा भी तो भी जो सर्दी है वहां पे केदारनाथ में, आपको कुछ तो लगेगा। तपस्या किया, उसमें पता नहीं था कि ये भागवत का एक साधन है। तपस्या मतलब जो एक जो सलूशन छिपा हुआ है, आप उसको कंसंट्रेशन में, उसके लिए आप बार बार पूछते हैं भगवान से क्या है क्या है क्या है। कंसिस्टेंसी ऑफ मेंटेनिंग हायर संकल्प फॉर अ लॉन्गर टाइम, ध्यान देकर सुनिएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ मेंटेनिंग हायर संकल्प फॉर अ लॉन्गर टाइम फेसिंग द डिफिकल्टीज सो दैट थॉट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड तपस्या। बोले बहुत छोटा सेंटेंस था। कंसिस्टेंसी ऑफ मेंटेनिंग हायर थॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम फेसिंग डिफिकल्टीज, हिंदी में बोलेंगे, जिससे कि थॉट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, किसी विषय के जिसको आप चाहते हैं उसकी वृत्ति को आप बहुत देर तक, बहुत दिन तक, बहुत साल तक बनाते हैं, जिससे कि वृत्ति परिस्थिति बदल जाए। आरती बहुत जल्दी करवा रहे हैं पंडित जी। कोई बात नहीं। अच्छा, उनको पता नहीं है शायद कैसे होता है, जस्ट फाइंड आउट। पासवर्ड वगैरह है कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, इनको दे दीजिए। दोनों ढूंढ रहे हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। हाँ हाँ, इनको दे दीजिए, देखेंगे। ये हो गया, हो गया। अच्छा, चलिए। तपस्या मतलब है कि जो जीवन में सलूशन, ईश्वर के पास जो एक समाधान था, समस्याहीन जीवन नहीं होता कोई। गुरुदेव के पास कोई गया एक बार, हे स्वामी जी, आई डोंट वांट चैलेंजेस इन लाइफ, इज देयर अ वे? बोले हाँ। सेड व्हाट? यू शुड डाई। हाँ हाँ, बात ना करें, हेलो, बात ना करें, शांत रहें, शांत रहें, हरिओम, शांत रहें, बात ना करें आप, ना फोन ऑफ ऑफ करें और बात भी ना करें। समस्या का समाधान, ध्यान देकर सुनिएगा, आप ही को निकालना पड़ेगा आपके, जो आपकी खाने की समस्या उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन जो आपकी भावनात्मक समस्या है, जो आपकी अहंकार की समस्या है, जो राग द्वेष की समस्या है, उसका समाधान खाने से नहीं होगा। फिर से बोल दें। बोले हमें अपने बेटे से बहुत प्यार है स्वामी जी, लेकिन वो हमसे इतना प्यार नहीं करता, हमें बहुत दुख होता है, हम क्या करें, हम क्या करें,
आप हमको खाना खिला के हमको भेज दो। हमें अपनी पत्नी से बहुत प्यार है लेकिन उसका उतना प्यार नहीं जितना हमारा है, हम क्या करें? भाई हमसे मत पूछो इस समय। बोले पति जो है हमें उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम तो बहुत ध्यान देते हैं, हमारा तो कोई है नहीं लेकिन वो नहीं उतना ध्यान देते। ये सब आप भगवान से सॉल्व करो। जो भावनात्मक और अहंकारात्मक समस्या है वो ईश्वर से ही समाधान होगा, उसमें जगत नहीं कुछ कर पाएगा। और जगत अगर आपको समाधान देगा तो उसके साथ एक नई समस्या आ जाएगी। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, जहां से सोल्यूशन निकालेंगे वहां से प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ईश्वर के सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, बोले हमने वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते लेकिन वो चाहिए हमको, वो हमें नहीं चाहिए किसी से, हमें जो समस्या है हमारी हम भगवान से सॉल्व कर लेंगे। कोई व्यक्ति समस्या नहीं देगा, हम भगवान से डिस्कनेक्टेड है ये हमारी समस्या है। पर्सन इज नॉट अ प्रॉब्लम, माय डिस्कनेक्शन विद द लॉर्ड इज अ प्रॉब्लम। जितना जो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता रहेगा उतना उसको लगेगा ये उसको भगवान एक थॉट देते हैं, देखो ये थॉट आया, दिस इज योर सॉल्यूशन, ये सही है, ये वृत्ति है। बोले तो हमसे बात कर लो, थोड़ा सा बात कर लो। उसने कर लिया, थैंक यू सो मच। अब नई समस्या आने वाली है। एक बार किसी ने हमको फ़ोन किया, बोला साहब ये 5 मिनट बात कर लीजिए। हमने कर लिया, कहा 10 मिनट कर लीजिए। सच की बात, हमने 10 मिनट कर लिया। हमने कहा अच्छा अब चलें, बोले नहीं 15 मिनट कर लीजिए। हमने 15 मिनट कर लिया। कहा सुनिए इतनी जल्दी है नहीं, कोई लंच का तो टाइम नहीं हुआ, 20 मिनट कर लीजिए। 20 मिनट कर लिया, 25 मिनट कर लिया। हमने कहा सुना अब बहुत हो गया, हमें अब जाना है, हमने हारे पर टाइम ओवर हो गया। जानते क्या बोला, आपको तो कभी मन नहीं करता बात करने का। 25 मिनट के बाद ये सुनना पड़ा। और ध्यान दीजिएगा, आपको एक और बात सुनाते हैं, जब आप किसी की समस्या का समाधान करने जाएंगे तो वो आपके लिए नई समस्या बनेगा। फिर से बोलना चाहते हैं, हम तो बड़े जोश में बड़े प्यार देने के चक्कर में रहते हैं ना, सो कॉल्ड ओवरफ्लो कर रहा है लव, और हम चले गए उनको समस्या देने के लिए, समाधान करने के लिए, वो खुद हमारे लिए समस्या बन गया। एक बार हम बचपन में कहीं थे, कोई गिर गया कुएं में, एक गांव के पास गए तो दूसरा आदमी पकड़ने गया, वो भी गिरा, वो दोनों ने हमको बुलाया, हम भी भागे, किसी ने कहा तुम भी गिरोगे उसके साथ, दो ऑलरेडी नीचे हैं। आपको अपनी भावनात्मक और अहंकारात्मक समस्या का समाधान ईश्वर से मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप परेशान रहिए। नहीं बेटा हमारे साथ रहेगा, नहीं रहेगा। पत्नी साथ रहेगी, नहीं रहेगी। हर समय हमको हम नहीं रहेगी। पति साथ रहेगा, नहीं रहेगा। नारद जी ने तपस्या किया। तपस्या मतलब ये लगातार प्रश्न किया, ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवित किया जाए, ओम ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवित किया जाए, ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवित किया जाए, हे विष्णु भगवान ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवित किया जाए, कैसे जीवित किया जाए, कैसे जीवित किया जाए, इस थॉट को मेंटेन करके रखा। हाँ तो बोलिए। उसी समय फिर सनत कुमार आ गया। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः हरि शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचः अत काल समादिष्टा जनायुष्मान् न बाधते। नहीं मिलेगा, मिल गया सेकंड चैप्टर का 47 श्लोक। वो आ गए, क्या नाम है, सनत कुमार आ गए।
हमने बुलाया ही नहीं। और कई ऐसी बातें हैं आपके मन की जो कि कोई उसको ठीक नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकता है। और उनका एक मंत्र सनत कुमार था, हरि शरणम एव एव, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन क्या दे देगा, क्या दे देगा, पैसा दे देगा, पानी दे देगा, शांति देगा कोई? और यहां लिखा है उनका परिचय देखिए, कथा मात्र एक जीवन, मतलब उनके जीवन का आधार मिला। हाँ, अंडरलाइन, कथा मात्र एक जीवन, जिसके जीवन का एक आधार कथा ही है, मतलब उसको कुछ सुनने के लिए अच्छा चाहिए। अगर आपकी डाइट में सत्संग की डाइट बहुत ज्यादा है आपकी, फिर से बोल देते हैं, कुछ तो डाइट है ना, विटामिन डी लेते हैं, विटामिन बी लेते हैं, B12 लेते हैं, सत्संग की डाइट हमारी बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे मेंटली। उन्होंने बोला कि भाई तुम जो है भागवत सप्ताह करो, भागवत नहीं सप्ताह, मतलब 7 दिन पूरी भागवत पूरी करो, ये इसकी महिमा है, ये ज्ञान वैराग जीवित हो जाएंगे। उन्होंने बोला इनसे, किसने किनसे बोला, सनत कुमार जी ने नारद जी से बोला। नारद जी ने कहा अच्छा भाई, देखो उत्तर मिला ना, बोले हमको उत्तर नहीं मिलता। अरे आप मांगते नहीं, भगवान पूछते रहते, भगवान भगवान चाहते हैं कि तुम जरा ठीक से मांगो, बार बार मांगो, बार बार हमारे पास आओ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत्, बोले भक्ति ज्ञान वैराग, मतलब भागवत के सुनते ही ज्ञान वैराग जीवित हो जाता है, जैसे आप लोग का जीवित हो रहा है अभी। बोले आप परेशान मत करिए हमको। और भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही, बोले बहुत जन्म के बाद कोई भाग्य होता है कि ऐसा संयोग बनता है, इतना आसान नहीं है सब कुछ। सब जानते हैं हम लोग जीवन में क्या क्या सबसे बड़ी कमी रही है, बोल दें आप, पूरा तो नहीं माने, अगर आप माने तो भी हम बोल देंगे, बहुत बचपन से बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए था। नहीं, वी नीडेड मोर पर्सनल अटेंशन, बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए था, बहुत ज्यादा हमको कोई ठीक करने वाला चाहिए था, या हमें बहुत ओबीडियंट माइंड चाहिए था दोनों तरफ से। अब 50 साल की उम्र में आए, 60 साल की उम्र में सत्संग में आए, कहाँ पे गीता ज्ञान या अच्छा, हाँ, और सीधे पहला उपनिषद पढ़ा केनोपनिषद, मॉर्निंग केनोपनिषद, और हम हाथ में शुगर केन लेकर आए, हमको लगा शायद शुगर केन से संबंधित है, तो बोला कि नहीं ये केन अलग है, वो शुगर केन अलग है। और सीधे फिर हम कूद पड़े 5वें 6ठे अध्याय पे, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शमससी यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय सक्रावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुन लिया हमने, जो प्रिपरेशन चाहिए थी हमें किसी के साथ रह के, देखो जब ऐसे करते हैं, पूजा ऐसे करते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बैठते, इतनी देर तक नहीं सोते, गीता ऐसे पढ़ते हैं, एक ट्रीटमेंट जो चाहिए था ना, उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए होती। संत जीवन में आए और संत हमको बहुत प्यार करे और हम भी उसको बहुत प्यार करें और हमको बहुत भगवान और अध्यात्म की तरफ ले जाए, इसके लिए आपको पिछले जन्मों में काफी ज्यादा माता पिता भाई बहन की सेवा इत्यादि के बाद, कौन संत आएगा आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी बहुत बोरिंग लोग आ जाते हैं,
हम बता रहे हैं भाई, हम भी सुने गए संतों को, बचपन से सुनते आ रहे हैं। संत आए हमारे, हमारी बात को समझे, हमारे मन को क्लिक करे, हम जो सुनना चाहते हैं वही बताए, हमको प्यार दे, हमको हमको सच में उठाए, हमको समझे तो मन से, हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहें, हमारा बहुत प्यार हो, कोई अच्छा लगे, कोई बहुत आदर रहे, हम उसके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, वो दिन रात समझाए और बहुत दिन तक साथ रहे। ये सब के सब संयोग बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपके पास ज्यादा पुण्य होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं ना। 70-80 साल बीत जाते हैं, हम लोग गीता का एक श्लोक कोई बताने वाला नहीं होता है। हम लोग आध्यात्मिक रूप से अनाथ रहते हैं, कोई पूछता नहीं जब किया। घर में ना अनाथ का ही होता है, अनाथालय में जब बच्चे आते हैं कहीं से, उन अनाथ बच्चे से कोई पूछता नहीं तुमने खाना खाया, अच्छे हो, कहीं चोट तो नहीं लग गई। उनके लिए घंटी बज जाती है सब बच्चों की, ऐसे सबको खाना ही बस रखा था, ले लो। हम लोग जब घर जाते हैं तो माँ पूछती है क्या हाल है, क्यों यहाँ, क्या क्या हो गया, यहाँ क्या, यहाँ लाल लाल क्यों लगा हुआ है, नो इंक है, अच्छा हटाओ उसको ठीक करो, अच्छा अच्छा इंक है, भूख लगी है, अच्छा खाते हैं, जल्दी बनाते हैं, होमवर्क नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जब एक एक आध्यात्मिक रूप से कोई हमारा होता है तो कोई हमारी रिपोर्ट कार्ड लेता है, जब किया था नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, जाओ करो, पूजा किया था, क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है तुमको, आसक्त क्यों हो रहे उससे। जब तक कि कोई हमारे, हमारा आध्यात्मिक माँ बाप नहीं बनता है तब तक हम लोग बच्चे ही के बच्चे ही रह जाते हैं। माता पिता तो घर तो खाना पीना उपखा, I mean it's a institution for eating and drinking and enjoying, कोई स्पिरिचुअल वो नहीं देते। माँ नहीं पूछते कि तुमने जब किया कि नहीं बच्चे से, वो नहीं पूछेंगे, उसको मोक्ष की चिंता नहीं है। जब कोई आध्यात्मिक रूप से हमारे पास आता है, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, तब जाके किसी को चिंता होती कि फंस न जाए कहीं से, पागल है ये फंस गया, ये फंस रहा है, क्या हो रहा है। उड़िया बाबा के पास पूज्य हमारे खंडानंद जी पहले जब शांतनु थे तब गए, तो उनके साथ एक सुदर्शन चक्र करके इतराहा करते थे, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग साथ उस कुटिया में रह के भजन करेंगे रोज। बाबा के पास सुबह गए, कहा बाबा प्रणाम, कहा सुनो तुम उस उधर रहो तुम उधर जाओ तुम उस शहर में रहा करो, तुम उस शहर में रहा करो, साथ मत रहना। You need a more attention to the mind. जैसे आपका एक पर्सनल डॉक्टर होता है, GP क्या बोलते हैं, फैमिली डॉक्टर होता है, सारा केस जानता है। एक माँ होती है, एक पिता होता है, कोई होना चाहिए जो हमको ध्यान दे। हमने बहुत कम साधक देखे हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, हम बोलेंगे यहां से और खुल के बोलेंगे, हमें कोई संकोच नहीं है। हमने बहुत कम साधक देखे हैं जो ठीक से साधना करते हैं, क्योंकि उनको ठीक से ना कोई बताने वाला होता है, ना कोई चेक करने वाला होता है, कोई चेक भी नहीं करता कि तुम कुछ करते वरते हो कि घोंचो बैठे हो ऐसे ही, या तो वो सुनते नहीं है या तो कोई कहता नहीं है। हम लोग की हैबिट है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेशर में। संडे को आप समय से उठ जाते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है संडे को, आई डाउट, रोज सुबह उठ जाते हैं, क्यों, ऑफिस जाना है ना, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है,
बच्चों को छोड़ना है स्कूल, संडे को सब सोते रहते हैं, वी वर्क अंडर प्रेशर, हैबिट है वो। बोले भाग्य चाहिए, संत नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो हमारी बात नहीं समझते, या तो वो नहीं समझते तो हम नहीं समझते, या तो हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती उन पर, हमको लगता है बात समझते नहीं हमारी, हम जिस बात को लेकर परेशान हैं उनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो क्या बोलना, या तो उनकी बात हम नहीं समझते, या तो जो बात कर रहे हैं उनके उनका प्रवचन ऐसा लगता है कि हमको सब पता है, या तो ऐसा लगता है कुछ हमको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कोई रिलेशन बहुत मुश्किल होता है कहीं पे, लगना कि यही बात है, गॉट इट, प्यार नहीं होता आसानी से, एक पति पत्नी में प्यार नहीं होता आसानी से। आप तो हाँ बोल दीजिए, आप चुप तो, भाई भाई में प्यार नहीं होता, भाई बहन में प्यार हमको बहुत कम दिखता है। कहने को हम लोग साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, शायद एक कमरे में रहते होंगे, सब कुछ छोड़ सकते हो, नहीं, भगवान ही कहीं मिलाता है तभी ऐसा होता है। नारद जी ने कहा, मेरे भाई साहब, सनत कुमार को बोला, आप और बताइए, ये यही डिफिकल्ट होता है। आप सुनते हैं लेकिन कहीं कहीं बात लगती नहीं है, कहीं दिल पे नहीं आती है, इष्ट देवता ही नहीं क्लिक करते कभी कभी तो। ये हमारे इष्ट राम जी हैं कि कृष्ण जी हैं कि शिव जी, यही नहीं क्लियर होता, सभी अच्छे लगते हैं। बोले देवी भी अच्छी लगती है, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, हंसते बोलो जय माता दी, जय माता दी। प्रेम क्या बहुत से होता है क्या? श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पटस्व स्व मुखे नैव यदि छसी पराम गतिम वेदादीर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथक् भावयिष्यते। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। देखो भागवत कितनी महिमा है। बोले तुम पूरा भागवत न पढ़ पाओ तो एक चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर न पढ़ तो एक श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक न पढ़ पाओ तो आधा श्लोक पढ़ लो, आधा न पढ़ पाओ तो एक चौथाई पढ़ लो, लेकिन कुछ करो। देखो लिखा हुआ है, भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी पे जल चढ़ाना और गाय की सेवा करना, एक ही है। अपने शेड्यूल में कुछ ऐसे एस्पेक्ट होने चाहिए जहां पे हमें कुछ छोड़ना पड़े, आलस छोड़ना पड़े, सबसे पहले तो उठना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, फिर तुलसी में डालना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं बोलेंगे, सुनो रामू, हाँ तुलसी ले आओ यहाँ, जल भी ले आओ, अच्छा हाँ लाओ डाली, तुम ही डाल दो। आलसी लोग कोई साधना नहीं कर पाते, बहुत आलसी होते हैं ना, उसे हिल ही नहीं जाता है। भागवत उठाना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, कहाँ है हमारा, कल कहाँ छोड़े थे, कौन सा चैप्टर था भूल गया, पेज मार्क लगाया नहीं, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया। थोड़ा सा अपने जीवन को ना रोज थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। और फिर बोलते हैं सनत कुमार, बोले नारद जी से, बोले इसको सुनना चाहिए। और नारद जी ने सुनाना शुरू किया, किसको, भक्ति को। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करके वहां पे भगवान आ गए। फिर से हम बोलते हैं, प्रेम में जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आपका प्रेम रोएगा। और प्रेम में ज्ञान होना चाहिए, किसका, किसका ज्ञान, भगवान का ज्ञान होना चाहिए, चाहे सगुण साकार का हो चाहे निर्गुण साकार का।
अगर आप हमसे प्रेम करें और हमारे बारे में जाने ना, तो आपका प्रेम बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। महात्म ज्ञान होगा तब प्रेम ज्यादा टिकता है। भगवान कौन है, किसने दिया है आपको, आप जानते नहीं भगवान ने क्या क्या दिया, और आप भगवान से बोले पूजा कर ले, स्वामी जी पूजा करना है क्या, हाँ अच्छा निपटा दे पूजा। पूजा आप निपटाओगे, पता है आपको एक बीमारी होने वाली थी, अच्छा भगवान ने रोक लिया उसको, अच्छा बड़ी बीमारी होने वाली थी, आपको भगवान ने 4 दिन का कष्ट देके छोड़ दिया, अच्छा आपके भाग्य में ये सत्संग नहीं था फिर भी वो ले आया, अच्छा अपयश ज्यादा हो सकता था, भगवान ने इतना ही दिया, जितने इतना दिया उसको आप 2 मिनट के लिए थैंक यू नहीं बोलोगे, थोड़ा उसको थैंक्स बोल दो आज जाके, अच्छा कमा के खाए थे क्या, हम तो नहीं कमाए थे, अच्छा कोविड में कई लोग की मृत्यु हो गई आप बच गए, थैंक्स नहीं देंगे आप किसी किसी घर में 2-2 लोग खत्म हो गए, किसी घर में 3-3 लोग खत्म हो गए, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं दोगे आप तो डॉक्टर को काफी फीस देते हैं। पूजा तो एक भगवान को थैंक्स देने की सेरेमनी है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो कितना बड़ा है, उसने क्या कर्म किया है, हमको क्या दिया है, हमसे क्या लिया है, तो प्रेम ही नहीं बढ़ेगा। प्रेम तो तब बढ़ता है जब जाने बिनु होय नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिनु प्रीति न भगति जनाही, जिमी खगे जल के चिकनाई, जब तक हम जानेंगे नहीं किसी को, अच्छा ठीक है, बड़े बड़े फल जो हैं, खरबूज है तरबूज है, उसको पेड़ से नहीं लटकाया उन्होंने, नीचे नीचे हैं सारे, गिरते तो किसी का शरीर टूट जाता, छोटे छोटे फल ऊपर हैं, हर जगह भगवान ने आपको दिया है, सोचिएगा जरा सा। कोई आपको 4 बार घर बुलाता है डिनर पे, तो आपको लगता है कि इसने 4 बार बुलाए, हम भी थोड़ा 1 बार बुला लेते हैं, हालांकि बाहर से ऑर्डर कर देंगे लेकिन बुला तो लेंगे ही। जितना आप ईश्वर को जानिएगा आपके जीवन में उतनी शांति आएगी, उतना देने का मन करेगा। कई लोग यहाँ गुरुदेव को देखे होंगे शायद, कलकत्ता में तो गुरुदेव हर साल आते थे, दर्शन का हुआ होगा, देखा होगा, हाँ तो बोलिए, शायद कई लोगों ने उनको भोजन करवाया हो, भिक्षा दिया हो, कई लोगों ने उनसे बात किया हो। हमारा तो बहुत सौभाग्य था बचपन से, हम जिस कमरे में थे हमारे दादाजी ने गुरुदेव की फोटो रख दिया सामने, यहाँ बिस्तर था तो यहाँ फोटो लगा दी, बोले कि बस इनको देख, 2 दिन तो देख कर ही उठा करो सुबह, पता नहीं था। जब 6-7 साल के होंगे तो गुरुदेव जब प्रवचन होता था तो हमको ले गए, और जैसे हमको नहीं पसंद है गुरुदेव को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई बच्चे कोई जब बच्चा आता है प्रवचन में डर जाते हैं, नहीं प्यार बहुत है लेकिन उस समय बाद में मिलेंगे, और हमको डराया उन्होंने कि देखो तुमको सामने बैठा रहे हो, सामने बैठाया यहाँ पे, हिलना नहीं है, हिलना है तो जो BMI की उनकी छड़ी ना उससे मारते हैं फिर वो वो जो छड़ी है उसको तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, तुम हिलना मत। हम बैठ गए सामने, फर्स्ट रो में नहीं, फर्स्ट के आगे वाली रो में और हम बिल्कुल नहीं हिले, और गुरुदेव मुस्कुराते थे देखकर। तब से हमने क्या किया था, कई ऐसी चीजें होती हैं आपको लगेगा कि आई डोंट गेट व्हाट आई एम डिजर्विंग, आई एम गेटिंग व्हाट आई डोंट डिजर्व। आप पढ़िएगा अपने जीवन को,
हम इसको हम नहीं डिजर्व आई डिड नॉट डिजर्व दिस. कोई बोलिए तो आप बोलिए. कई बार आपको प्रेम मिलेगा विच यू डोंट डिजर्व, कई बार आपको आदर मिलेगा विच यू डोंट डिजर्व. कोई ऐसा है जो आपको बेकार में प्यार कर रहा है. जीवन को पढ़िएगा. जब 7-10 साल के थे तो गुरुदेव ने तो 200 बच्चों के बीच में हमी को गले लगा लिया. कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन में, जब आप ठीक से नहीं पढ़ते ना तो आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी. भक्ति ऐसे बढ़ेगी नहीं. भक्ति मतलब कर्म कर पूजा करने का नाम भक्ति नहीं है. ईश्वर की आपको लेके जो प्यास है, आपको सुख देने की जो प्यास है ईश्वर में, उसको पहचानने का नाम भक्ति होती है. The thirst of the God to give you joy, recognizing, knowing that thirst. हवा नहीं चल रही है, वो हवा से हमारा आलिंगन कर रहा है. He is embracing me through his breeze. पहचाना आपने? हाँ तो बोलिए. नहीं पहचानेंगे तो फिर आप मैकेनिकल हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा क्या फिर से पूजा करना है. नहीं, हमारा वो करा, कल का दिन बहुत अच्छा दिया था उसने. हम ऐसे संतों के पास गए जिन्होंने हमको ध्यान करना सिखाया, और ऐसा ध्यान सिखाया पहली बार बैठे 5-5 मिनट नहीं, गाइडेड मेडिटेशन 3 घंटे समाधि में बैठा दिया. ऐसे नहीं बोल रहे हम आपसे, हमने बस इतना उनसे बोला कि ध्यान नहीं लगता. 17 साल की उम्र थी, बोले आओ बैठ जाओ गंगा किनारे, का उठना नहीं है. ओम बोलेंगे तब उठना. हम के ठीक है, आँख बोले आँख बंद करो, बंद कर लिया. फिर खोला कि ओम ओम बोल देंगे. और उन्होंने बोला कि मन में बोला आँख बंद करके, पता नहीं कहाँ से दिख गया उनको, बोले आँख बंद करो. और जो उन्होंने 3 घंटे तक हमारी समाधि लगवा दिया, 5 बजे से रात 8-9 बज गया, ना हाथ हिला ना पैर हिला ना, तब उन बोला हाँ बेटा आज मत बोलना कि ध्यान नहीं लगता, जब तुम चाहोगे जीवन में ध्यान लग जाएगा, हमारा स्मरण कर लेना तुम. और आज भी जब हम बैठते हैं तो बहुत देर नहीं लगती कि पैर ऐसे करना पड़े, ऐसे करना पड़े, वहां दर्द हो, ध्यान वहां नहीं लग रहा है. आपने अब जब तक अपने जीवन को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, आपने ईश्वर की प्यास नहीं देखी होगी अपने लिए. ये भागवत जी आती नहीं आपके पास, हमारे पास आती नहीं. जिसने हम लोग को उठाया है, आपके हाथ में जिसने गीता डाल दिया, जिसने आपके हाथ में रामायण डाल दिया, जिसने आपके हाथ में भागवत डाल दिया, जिसने आपके आसपास संतों को घुमाया, जिसने आपके आपके मन में इच्छा डाली अपनी, आप बोलते हैं आप उनको कुछ नहीं देंगे. क्यों क्यों बोला कि भक्ति रो रहे ज्ञान नहीं हुआ क्या? आप अपने अपने आप ही आ गए थे गुरुदेव आपके जीवन में, अपने आप ही जप आ गया था, अपने आप ही माला आ गई थी, अपने आप ही रामायण आ गया था. ऐसे नहीं होता. पढ़िएगा, आपको लगेगा कि नहीं हमारा कोई नहीं था. नहीं कोई था आपका, कोई है. यत संशयात निगदिते लभते सुवक्ता. देखो क्या लिखा है 74 श्लोक में, 3rd chapter. जिसके आश्रय से एक अच्छा वक्ता मिल जाता है हमको, एक अच्छा सुनाने वाला मिल जाता है. श्रोतापि कृष्ण समता अमल मन धर्म ही. सुनने वाला सुनाने वाला दोनों मिल जाता है. हम जब साउथ अफ्रीका गए वहां मॉर्निंग क्लास होती नहीं थी भाग वेदांत की. गुरुजी ने कहा देखो तुम चिंता मत करना, अच्छे से खाओ और सो,
तुम चिंता मत करना, डोंट रश। हमने भगवान से कहा कुछ क्लास वास वेदांत उपनिषद पढ़ाया जाए। उसी समय किसी का फोन आया, बोले हम आए पढ़ने के लिए। हम नहीं जानते थे। अनीता का फोन आया, अनीता बोले हम आए, कैन आई कम फॉर स्टडिंग वेदांत। ऐसे नहीं हम यहां बोल रहे हैं। आपको लगता हो कि हम ऐसे कुछ बोल रहे हैं? हम फिर गए मंदिर में, मैंने कहा भगवान थैंक यू। भगवान ने कहा भी एक नहीं, कई को भेजने वाले। आपको नहीं पता होगा वो ऐसा काम करता, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत दिन बाद आपको लगेगा कि अच्छा दैट वॉज हिज प्लानिंग। हम लोग काम करने के पहले संकल्प बता देते हैं, भगवान काम पहले करता है, संकल्प बाद में पता लगता है। यू नो प्लानिंग लेटर ऑन आफ्टर हिज वर्क इज ओवर। आपको ज्ञान भी हो उसका और आपको आपके मन में प्यास ना है। जब भागवत हुई, अभी तो आप देखिएगा, ये पेड़ थोड़ी ना पेड़ है, ये पेड़ दिख रहे हैं ना, देखिए ना पेड़ इधर, ये भगवान झूल रहे हैं इसके साथ। ये अग्नि नहीं है, ये सूर्य भगवान नहीं, ये सूर्य नहीं है, हेलोजन बॉल नहीं है ये। बोलिए गीता का श्लोक क्या? हाँ? नहीं नहीं सूर्य में बोलिए। यदा दिक्कत, गुड, यदा दिक्कतम तेज जगत भास्यते खिलम यद चंद्रमसी। वो है वो, आप चंद्रमा, आप सूर्य देखिए, वो आपको प्रकाश दे रहा है, वो आपको हवा दे रहा है। रसो हम अपसु कौनते, आपके वो रस के रूप में बैठा हुआ है। कहां नहीं ईश्वर, कहां से नहीं उसने दिया है। हमने एक बात बताई आपसे, प्यार सब लोग नहीं कर पाते, एक नजर होती है प्यार की। प्यार ना सबके बस का नहीं है। हमने बहुत कम दो लिख देखे दो जो प्यार करना जानते हैं। एक संत बरसाना में दिन रात राधे 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 बोलते रहते, बुढ़े संत। तो किसी ने कहा कि आप राधे राधे क्यों बोलते हैं? बोले बहुत गलती हो गई थी। कहें क्या गलती हो गई थी? कहा जब 20 साल के हम थे तो हमारा किसी विधवा के साथ प्यार हो गया, उसका एक बच्चा था। जब हम मिलते थे वो बच्चा आ जाता था, तो उस विधवा को लगा बच्चे को मार दिया जाए, तो उसने जहर लिया। वह जहर लेके मारने के लिए गई, दूध में जहर मिलाया, लेकिन जिससे जहर खरीदा था उसने बच्चे को बता दिया कि जहर आज दूध मत पीना, माँ ने जहर मिलाया है। उस बच्चे ने कहा 10 साल तक जिसने हमको दिन रात दूध पिलाया है, हमको कपड़ा पहनाया है, हमको नहलाया है, हमारे लिए काम करने के लिए गई है, अगर आज जहर पिलाना चाहती है तो उसका जहर भी पी लेंगे। ये प्यार था, उसने पी लिया, मर गया वो। और इस माँ से इसने बोला, माँ तुमने जहर दिया था ना, हमने जहर पी लिया। और ये जो 20 साल के थे और ये जो सन्यासी बने थे, उसके बाद उन्होंने कहा हमें इतनी ग्लानी हुई, इतनी ग्लानी हुई। तो हमको लगा कि इस ग्लानी से हटने का रास्ता तो और कुछ नहीं है, बस दिन रात हम राधे राधे बोलेंगे, जिंदगी भर हम राधे राधे बोलेंगे। तभी उस प्रायश्चित होगा हमारा, उस बच्चे जो मर गया हमारी वजह से। इसको बोलते हैं प्यार करना। हम लोग को पर नहीं पता होता। गुरुदेव का फेमस लाइन ना, वी गिव, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी टेक एंड फॉरगेट, वी गेट एंड फॉरगेट। हमने लिया है भगवान से, लेते ही रहे हैं गुरु से, देने के नाम नहीं दिया है। इस ज्ञान का नाम भक्ति होती है।
जिस दिन आपको एहसास होने लगेगा ना आप बिना दिए मर जाओगे। हम एक आश्रम में गए, कहते हैं वहां दंड क्या था बच्चों के लिए, गुरु का पैर नहीं छोड़ना 1 महीने तक। हमको इतना कष्ट हुआ सुनकर ही हमें कष्ट हो गया। बोले तुम प्रणाम नहीं करोगे वरना हम खाना छोड़ देंगे, सब करेंगे तुम नहीं करना, वो भी 1 महीने तक। हमने कहा इससे अच्छा तुम्हें मर जाना चाहिए, हम तो जिंदगी नहीं रह पाए, ये तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। हमने कहा स्टूपिड पनिशमेंट, वो बहुत, हम क्या बोले उनसे, हम बोल तो पाए नहीं ज्यादा। हमने कहा तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है स्वामी जी। वो बेचारे बच्चे रोते रहते थे। आप जिस दिन आपको लगेगा ना कि हमने दिया नहीं भगवान को ना, उस दिन आपका प्यार लग, तब मानिएगा भक्ति बढ़ गई। आज हम दे नहीं पाए, आज हम स्तोत्र नहीं पढ़ पाए, आज हम अपना मन नहीं दे पाए, आज प्यार नहीं दे पाए, जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ना उस दिन आप देखिएगा क्या भक्ति बढ़ती है। हम भूल जाते हैं, हमारे सामने खाना आया हम भूल गए, कई लोग को ये खाना नहीं मिला होगा आज। आप पानी पी लेते ना, कई लोग पानी नहीं पी पाते, आप अस्पताल में जाके देखिएगा जब नेजल फीडिंग होती है तो पानी नहीं पी पाते, अरे एक बूंद पानी दे दो, पानी नहीं पी पाते। आपकी मेमोरी काम कर रही ना, कई लोग भूल जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसंस हो जाता है। भगवान ने आपको सब सस्पेंड करके रखा है भाई। हमें पता ही नहीं था। जिस दिन आप ये प्यार की एक आंख होती है, सबके नहीं होती है, लोग देखते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई लोगों को बहुत कुछ दिया होगा, उसमें से शायद 1% शायद रिकॉग्नाइज कर जाए आपको। कई लोगों दिया होगा आपने, लोग भूल जाते हैं, और जो आप नहीं देंगे ना वो रिपीट करेंगे ये आपने नहीं दिया। अरे जो दिया उसको तो बोल दे एक बार। एक महात्मा के पास कोई गया, महात्मा बोले क्या हाल है, उसने कहा सर में बहुत दर्द देखा इधर और मारा कस के। कहे तो सर में दर्द है आप मार रहे हैं, बोले पैर में दर्द है, बोले नहीं, पेट में, बोले नहीं, दांत में, बोले नहीं, आंख में, बोले नहीं, बोले हाथ में, बोले नहीं, बोले तुम्हारा हाथ ठीक, पेट ठीक, दांत ठीक, आंख ठीक, कान ठीक, सब कुछ तो ठीक था बेटा, तुम्हारा केवल शरीर में दर्द था ना, तुमने ये बोलना चाहिए कि सब जगह सब ठीक है बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तुमने पार्शियल समाचार दिया हमको, आपके जीवन में कुछ चीज नहीं है। वो आप बोलते थे बहुत खुशी से बोल देते ये नहीं हमारे पास, अरे जो है उसको तो गिना दो एक बार। बेईमानी होती, सोच की बेईमानी सबसे बड़ी बेईमानी है, सोच की बेईमानी और प्यार की बेईमानी। यू आर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट एंड इमोशनली डिसऑनेस्ट। आपने प्यार लिया तो दिया नहीं, आपने भगवान से लिया तो लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया। ये भागवत पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, सुनने के बाद समझ में आता है, ठीक है ना? हाँ तो बोलिए। अब ये भागवत की एक एक एस्पेक्ट हमें कोई बताने वाला चाहिए, सेंसिटाइज नहीं किया हमने माइंड को, हमने अपने आप को संवेदनशील नहीं बनाया है। अब सनक सनातन ने कहा कि जो लोग पाप करते रहते हैं, पाप पता है ना, बोले हम पाप नहीं करते। बोलिए भाई पाप मतलब क्या? पाप मतलब जिसको करने के बाद आपके अंदर ताप आए, पाप मतलब रक्षा, और जो आपको इनसिक्योर बना दे, आपके यश को, आपके प्यार को, आपके भविष्य को, अच्छा होगा सब। आई डोंट नो, हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोल दिया है उनको, वो जान गए हैं, अब क्या करें, बात नहीं करें, नहीं बात नहीं करें ठीक से, क्योंकि हमने झूठ बोला था उनसे, वो समझ गया कि झूठ बोला है, फिर क्या करें,
आपने बोला कि नहीं झूठ बोला? हमने हमने बोला नहीं कि हमने झूठ बोला है, हम उनको बताएंगे कि हमने नहीं बोला था, कहीं आप कहीं से और सुन लिया था, हमारा वो मतलब नहीं था जो आपने बोला, हमने कुछ और झूठ बोला था हमने कुछ और झूठ बोला था, आपने कुछ और झूठ समझ लिया था, हमने वो झूठ नहीं बोला जो आप चाह रहे थे। आपका प्यार असुरक्षित हो गया। पाप मतलब जिससे आपके लोग आप पे लोगों का विश्वास था, एक एक आदर था। यू डोंट इंजॉय फिजिकल बॉडी, यू एंजॉय द वे फेथ। आप जब किसी के पास बैठते हो आप उसका प्यार एंजॉय करते हो, आप उसका विश्वास एंजॉय करते हो, चेहरा नहीं, नाक कान नहीं, कि तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, आँख बड़ी अच्छी, सब नहीं एंजॉय करते, ठीक है ना। पाप मतलब जो आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर बना दे, पाप मतलब जो जो आपके अंदर के जो कैपेसिटी है, जो आपके अंदर एक किसी की सेवा की कैपेसिटी थी, किसी को सुख देने की कैपेसिटी थी, एक क्रोधी क्रोध पाप क्यों है बताइए? क्योंकि क्रोध से आप दूसरे का सुख ले लेते हो। काम पाप क्यों है? क्योंकि उससे दूसरे का सुख चला गया, जो आपके सुख देने की कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा वो कम हो गई। यू आर बॉर्न टू गिव जॉय, नॉट टू टेक जॉय। जब आप बोलते हैं इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, मतलब क्या? उनके स्वभाव में सुख नहीं है देने की कैपेसिटी। और अगर आपके स्वभाव में सुख देने की कैपेसिटी है, आपको लोग घेर के खड़े रहेंगे, कोई आपको जाने नहीं देगा, बोले हमको सुख दे दो थोड़ा सा। एक नौकर सुख देता है तो उसको पकड़ के रख के रहते हैं। हमारे यहाँ एक मेड है, क्या नाम है, प्रसिद्ध, क्या प्रिसिला, हाँ हमारे आश्रम में, उसको सब पकड़ के रखे रहते हैं कि काम अच्छा करती है, प्रिसिला है ना उसका नाम आप हमको बताओ, पाप का पाप भी हो और आपके मन में बहुत आनंद भी हो, पाप में आपने कील डाल लिया है मन में, आपने अंदर एक भगवान की आवाज थी, नहीं नहीं मत करो मत करो, आपने उसको चुप कर। जितनी बार आप क्रोध करते हैं एक अंदर से कुछ बोलता रहता है, हमने चुप करा दिया, इसका नाम पाप होता है। और जितना बड़ा पाप होगा, पूरा करिए डैश डैश, उतना ज्यादा भूल नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं अंदर दब जाएगा, दबा देगा, कहीं ना कहीं दूसरे को आपने डिप्राइव किया है अपने पाप से। एक पापी पति अपने पत्नी को ज्यादा डिप्राइव करेगा कि नहीं करेगा? प्यार से डिप्राइव करेगा। एक पापी पत्नी, एक पापी पति बोल दीजिए, अच्छा ठीक है दोनों बोल देते हैं ना, अरे लोग हमसे बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे डैडी ने कभी हमसे बात नहीं किया आज तक, यहां तक लोग हमसे बोलते हैं, अरे क्यों नहीं बात किया, टाइम ही नहीं था उनके पास, रहते भी थे तो गुस्से में रहते थे, ही नेवर टॉक टू मी प्रॉपरली। एक पापी पिता ने अपने बच्चों को नहीं डिप्राइव किया। उल्टा कर लेते हैं, बोले कभी उसने कभी उन्होंने हमको प्यार नहीं दिया, कभी बर्थडे में विश नहीं किया, कभी हमको उन्होंने छुआ तक नहीं है स्वामी जी कि उन्होंने हमको हक किया हो। अच्छा, वो आते थे ड्रिंक करके अपना कहीं चले जाते थे, मुझे पिता का प्यार नहीं मिला स्वामी जी, सिखाने की बात तो छोड़िए। हम बोलते चलो हम देंगे, चलो हमारे पास आओ। तो आपने आप भी तो रहे ना परिवार में, आप भी रहे दोस्तों के बीच में, दूसरे को ना उसका एक अधिकार चाहिए होता है। हम भी शिष्य हैं, हमको भी लगता है हमको अधिकार मिल जाए।
जब आप टीचर होते हैं ना तो आपको लगता है ये हमको अधिकार दे। अगर एक पापी शिष्य होगा तो वो गुरु को अधिकार नहीं देगा। कहीं भी व्यक्ति पाप करता है तो ही, और जिस जो आपके जीवन में कुछ चीज आपको डिप्राइव कर देता है ना, फिर उसका चार्म खत्म हो जाता है। फिर एक जो बैलेंस था रिलेशन का चला जाता है, समझ रहे ना बैलेंस। हाँ क्या, हाँ क्या बैलेंस मतलब क्या, रिलेशन बैलेंस मतलब क्या, रिलेशन बैलेंस मतलब क्या। जब हमने दिया था, जब हमारी जरूरत थी आपको, तब तो आप लिए थे। चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे माता पिता हो, एक पापी पुत्र नहीं कुछ ज्यादा कर पाएगा, लेकिन जब देना था लेना था तो उसने बहुत लिया। When it was the time to take, you took it. हमारा भी टाइम है देने का, हम पिता हैं ना तुम्हारे, वापस आ जाओ, हम तबीयत खराब लग रही है। बोले डैडी आप ले लीजिए कुछ, एक पेनाडो ले लीजिए, पैरासिटामोल ले लीजिए, ठीक हो जाइएगा, ओके बाय। मजा नहीं आता उनके साथ, क्यों छोड़ो। पाप मतलब, और आप याद रखिएगा, आप कभी भी जीव के प्रति पाप नहीं करते, आप ईश्वर के प्रति ही पाप करते हैं। यू नेवर कमिट सिन अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग, यू कमिट अ सिन्स अगेंस्ट गॉड ओनली। आपने गॉड को डिप्राइव किया है, मनुष्य को नहीं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। बोले हम ही सारे यज्ञ के भोक्ता हैं अर्जुन, हमको डिप्राइव किया इन्होंने। और फिर उल्टा पढ़ लीजिएगा, अब भगवान आके हमें हमारे जीवन में हमको डिप्राइव करेगा, बोली चीज हमारे जीवन में नहीं है। आपने जरूर कुछ किया होगा। सब चीज बड़ी पक्की है आप। बोले सुनिए अब तो पाप हो गया, अब जो होना तो हो गया, कुछ ऐसा बताइए कि उसके लिए अगर कुछ पाप हो गया हो किसी से, और याद रखिएगा कोई ऐसा नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो। थैंक यू सो मच। युधिष्ठिर जैसे महापुरुष से पाप हो जाता है, अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि रूल में नहीं होता ये, आपसे पाप नहीं होगा। सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या हो गया, पैदा हो गए, यही पाप हो गया सबसे। अब उसको बताने के लिए दूसरी कहानी महात्म है। एक आत्मदेव करके ब्राह्मण थे, बस थोड़ी देर और है, हमारा समय खत्म हो रहा है। बोले थैंक यू वेरी मच, इसके बाद तो नहीं होगा, नहीं नहीं फिर शाम को फिर होगा, आप खुश मत होइए, शाम को 4 बजे से फिर आप हम मिलेंगे, भले आप आइए ना आइए। तो वो जो थे, ऐसा लिखा हुआ है, भिक्षुको वित्तवान लोके, उन वो थे बड़े अमीर, हालांकि ब्राह्मण गरीब, दलील स्टोरी इससे बनती है, गरीब ब्राह्मण था, लेकिन ये जो थे ये ब्राह्मण भी थे और गरीब अमीर भी थे, लेकिन कंजूस थे ऐसा लगता है, क्योंकि भिक्षा लेते थे। हाँ उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली, प्यार में डीडू बोलते थे। डीडू कैसी हो वो बोलते थे प्यार। लेकिन ये बहुत झगड़ालू टाइप थी, स्ववाक्य स्थापिका, क्या क्या शब्द लिखा है, अपनी बात लगाने वाली, आर्गुमेंटेटिव, नहीं जाएंगे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, हमने सोचने के जाना है, जिद्दी होते हैं, कई लोग अड़ जाते हैं। व्यवहार का जो मूल है कि दूसरे की बात को आप मानने की कोशिश करिए, ठीक ठीक ठीक, जहां तक कि कोई प्रिंसिपल नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है धर्म का,
आप जितना हाँ बोल दीजिएगा उतना लोग आपको चाह लेंगे, चाह लेंगे। एनीवे, इनके सब कुछ था, एक चीज नहीं थी, इनके बेटा नहीं था। भगवान में अच्छी सब किसी ने कुछ काट लिया है। किसी के बेटा है तो बोले सुनिए हमारी चार पुश से कहीं लक्ष्मी नहीं आई, बेटी नहीं आई। किसी की बेटी तो बेटा नहीं आया, किसी के बेटा बेटी नहीं, किसी को पैसा नहीं, बोले हमारे बाली नहीं है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, आपके पास सब कुछ जी नहीं होगा। ये लॉ है। भगवान राम के पास जब पत्नी थी तो राज नहीं था, जब राज जाया तो पत्नी चले गई। कृष्ण जी के पास जब यशोदा जी थी तो देवकी नहीं थी, देवकी थी तो यशोदा जी, दोनों साथ रह नहीं पाए। यू कांट हैव बेस्ट ऑफ ऑल, वो सब फिल्म में शायद हो, अच्छे पति अच्छी पत्नी अच्छा घर अच्छा परिवार अच्छे सास ससुर, ओह माय गॉड, अच्छा पैसा अच्छा शरीर अच्छे समधिन अच्छे साढ़ू, कुछ ना कुछ भगवान ने कटिंग किया है, बड़ी अच्छी टेलरिंग किया उन्होंने, काट लिया कट कट नहीं काटा कुछ, जो टेलरिंग किया है आपके जीवन में वो टेलरिंग नहीं किया है, रास्ता बनाया है खुद को आने का। जिसके लिए आप रोए थे, गुरुदेव बोलते थे टीयर्स आर द ब्रासो ऑफ माइंड, बोले हमारा खो गया, आप चिंता मत करिए। अब ये बड़े रो रहे थे आत्मदेव जी, एक दिन गले कि हम कूद जाएंगे, आई विल कमिट सुसाइड, ऐसा सोचा इन्होंने, किन्होंने देखो इतना सब कुछ है, पत्नी भी है दूदू और पैसा भी है घर भी है विद्वान भी है, ऐसा लिखा है सर्ववेद विशारदा, बाप रे बाप, 17वां श्लोक देखो चौथे अध्याय का, आई मीन ही न्यू ऑल वेदास, हाँ द्विवेदी नहीं थे और त्रिवेदी नहीं थे, चतुर्वेदी थे, मतलब वेद बाय हार्ट थे, अपना ये पुरुष सुख नहीं याद हो रहा है, मेधा सुख याद करते करते मेधा चली गई। ओ मेधा देवी जुष्माणा नागा, हाँ उसी को भूल गए हम, दो दिन नहीं चांट करते तो भूल गए, सब कुछ था लेकिन दुख नहीं गया, वाह वाह वाह, गए अपना सोने सोने से थे। एक अब यहां पुण्य आ गया, ये पुण्य पाप झगड़ा करते रहते हैं आपस में अंदर अंदर। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, इधर आओ इधर आओ, कहा ब्राह्मण देवता क्या हुआ, हम आपको पता क्या हुआ, हमारे घर में जो पेड़ होता है उसमें आग उसमें फल नहीं लगता है, हम जो गाय लाते हैं उसके बछड़ा नहीं होता है, हमारे घर में सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, हमारे बेटा नहीं होता, कुछ करिए हमारे बेटा होना चाहिए, प्लीज 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 करिए ना, प्लीज करिए ना। सन्यासी ने कहा भाई देखो शांति रखो, ये माहौल अच्छा है ना यहाँ का, ऐसा लगा गुरुकुल में आ गए, कहीं कौआ है कहीं कोयल है, हाँ इंजॉय करिए, इसको भी इंजॉय करिए, कोई परिस्थिति नहीं जिसमें सुख ना हो, बस आपको उसको देखना पता होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा भाई देखो मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम, अंडरलाइन टिक कर लो इसको 34 श्लोक। बोले भाई ब्राह्मण देवता तुम अजीब आदमी हो, तुमको पता नहीं कर्म की गति अजीब सी है, कुछ चीज किसी के पास बहुत होती किसी के पास एक भी नहीं होता। बोले को उनकी पत्नी कितनी अच्छी है, रोज पैर दबाती हैं, कभी चिल्ला के बोलती नहीं है, देखो आज खीर बनाया है,
हाँ, मौसम नहीं है आम का, आम दिया, देखो आम दिया। अच्छा हाँ, एक हमारी पत्नी हर समय मुंह खुला रहता, थक गए, कब तक इनका मूड स्विट करने में हमारी जान चली जाएगी, हम घबराते रहते हैं। किसी के बच्चे इतने अच्छे निकलते हैं, किसी के बच्चे कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में ले गए बच्चे, पिताजी कोर्ट में ले गए। जो चीज आपके पास बहुत कम है ना, किसी के पास बहुत ज्यादा है। जो प्यार आपके पास कम है ना, किसी के पास वही प्यार बहुत ज्यादा है। और किसी जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है ना, किसी के पास बहुत कम है। बस ये मत बोलिए कि बहुत कम है, बहुत कम है, आपको पता नहीं आपके पास कुछ चीज ज्यादा भी है। बोले भाई ये कर्म की गति है, ब्राह्मण विद्या, तो तुम चिंता मत करो। तुमको एक बात बताएं? बोले हाँ। तेज संसार वासनम, संसार की वासना छोड़ो, बेटा भी मिले, बेटे भी मिले। बोले खाना तो बहुत अच्छा था, दही बड़ा नहीं था स्वामी जी। हाँ दही बड़ा था, उसमें चटनी नहीं थी ठीक से, चटनी तो थी उसमें, जो इमली की होती वो नहीं थी। तुमको हम चटनी बनाने वाले हैं अभी। बोले अचार में वो नहीं था। अच्छा बोले हमारा शरीर स्वामी जी ठीक नहीं है, वास्तु के हिसाब से नहीं है। किसी ने हमसे बोला कि हमारा शरीर वास्तु के हिसाब से नहीं है, ये नॉर्थ साइड में वेट बहुत ज्यादा है। हम कब क्या करें भाई। और फिर उन्होंने बोला तंत्र संसार ये मिल जाए, वो मिल जाए, पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, मेरी बहू आ जाए, हमारे साथ रह ले। एक ही हमारी इच्छा, हमारी बहू साथ रह ले, हमारा बेटा साथ रह ले। अच्छा साथ रहेगा तो और प्रॉब्लम होगी। अच्छा है साथ नहीं है, कम से कम तुम आ रहे हो यहाँ पे, बेबी सिटिंग करवाएगी बहू, हाँ बच्चा खुद पैदा करेगी, तुमको पालना पड़ेगा क्योंकि उसकी मेड की कॉस्ट बच जाएगी, उसको नैनी नहीं मिलेगी, उसको नाने नानी चाहिए, नानी को नैनी बना दिया। और तुम्हारा अटैचमेंट बहुत जाता है, तो तुम्हारे अटैचमेंट के साथ इनकैश कर रही है वो, अपना तो ऐसे ऐसे करके चली जाएगी जॉब में, एक पर्स लटका के, पैसा नहीं रहेगा ज़्यादा, फिर भी पर्स बड़ा है, वहाँ चली जाएगी। और तुम बात खिलाना रात दिन भर बच्चे को, क्योंकि तुम आसक्त हो ना, तो आसक्त आदमी बिकाऊ होता है, यू कैन बी परचेस्ड, एवरी अटैच पर्सन इज परचेजेबल। माने फ्रीडम तो है नहीं, तुम्हारे गोल वोल तो है नहीं, इसलिए तुम जो है बच्चे को खिलाओगी क्योंकि तुम्हारी वासना बहुत ज्यादा है, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा ऑफिस चाहिए, अच्छा मॉल चाहिए। मॉल में जाएंगे ऐसे ऐसे घूमने के लिए, डोसा खाएंगे, बैठेंगे, अच्छा हाँ वहाँ बैठे रहेंगे, फाइव स्टार में जाएंगे होटल में, वो आएगा ये सर व्हाट डू यू वांट, हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, वो कार्ड लीजिए मेनू कार्ड, थैंक यू, अब मेनू ढूंढ रहे हैं, पहले राइट में देखो फिर लेफ्ट में। हमें लस्सी चाहिए, लस्सी 500 की लस्सी है, पीते समय चटनी तुम्हारी हो जाएगी, घर में बना लो अच्छी पंजाबी लस्सी। हाँ गैर ट्यूनिंग थी बढ़िया, ऐसे 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 आया, फिर वो आए, अरे जो वेटर इतना अच्छा लगता है, हम लोग ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, कपड़ा भी कितना साफ है उसका। गए उसने हमारा दरवाजा खोला कार का, ये सब संसार वासना है, तेरे संसार वासना, एक एक वासना हमें ना नौकर बना देती है। हम खराब शब्द बोलने वाले, तुमने रोक लिया अपने आप को, रोक लिया क्या बोले, लेकिन जब कभी अपने को डांटते तो बहुत खराब शब्द में डांटते अपने आप को, यहाँ तो संभाल ले रहे हैं अपने आप। एक एक वासना आदमी को इतना नीच बना देती है, इतना नीच, इतना गिरा हुआ बना देती है, इतना चीप बना देती है।
मतलब बात करने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। थू जो पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, कोई ग्रेस है क्या? किसी घर गए, स्वामी जी मैं एक बात आपसे कहनी थी। बोलिए। किसी घर गए, अब पूरे घर वाले से परेशानी हटो। बोले हमको स्वामी जी को दूर मत करो, हमको दूर मत करो, तुमने हमको इतने सालों तक दूर किया ना। वो बेचारे इतने परेशान। बोले स्वामी हम बहुत आपसे बहुत प्यार करते, हमें गीता बहुत पढ़ना। पास में बैठ गए आके बगल में, और उनकी पत्नी सब रोने लगे, हाथ जोड़ रहे हैं उसे दूर से। बोले क्या हुआ हमें, क्या हुआ? माँ शुचा शोक मत करो, गीता कोट कर रहे हैं वो। तो हम अर्जुन ने बोला शोर जाना शोर जोस्त, हाँ वह वाश कहा हुआ गुथा नाम पंचुरा, इतना डिसग्रेसफुल बना देता व्यक्ति को। हमने बात करने लायक नहीं उस स्थिति में, कहीं से खूंटी से बांध कोई हमको नीचे गिरा दिया हो। तज संसार वासना बेटा, अगर हर व्यक्ति परेशान हुआ होगा, हर गृहस्थ, मैक्सिमम गृहस्थ, या तो पत्नी या तो बच्चों की वजह से, टू वे के रियाज है उसके, पति पत्नी मतलब स्पाउस और चिल्ड्रेन, कोई बोल ही नहीं रहा है, जैसे कि हम ही को अनुभव हो। और यहां तक बोले संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा रेप मुंच अद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। इसमें तो अंडरलाइन कर लो आप। बोले तो तुम्हारे पास नहीं है पुत्र, तुम्हारे पास बहुत टाइम दिया है भगवान ने, जो चीज तुम्हारे पास नहीं और फ्री फ्रॉम दैट एरिया, तुम भजन करो भैया, तुम घर में ही सन्यासी हो गए हो। 36 श्लोक, तुम खुश रहो, तुम्हारे पास सब कुछ है। लोग कहते हैं हमारे पास नहीं है, अरे जिनके पास उनको देखो, जानते उन्होंने बहुत नाराज हो गई है आत्मदेव जी। बोले विवेक के न भवेत किम, विवेक से क्या होगा, मैं पुत्र दे ही बला दफी, आप पुत्र दीजिए। और यहां तक बोल दिया पुत्र के बिना सब बेकार है, सन्यासा शुष्क है भी, ये सन्यास शुष्क है एकदम, रूखा सूखा सन्यास है। कोई सन्यास होता है जहाँ न खा पाओ ना पी पाओ, बढ़िया दाल बढ़िया छोले भटूरे खाओ, कहीं पर जाके बाहर जाके ऐसे ऐसे खा के खाओ, जो फुचका खाने में फुलकी खाने में जो यहाँ मजा आ रहा है, हाँ यहाँ जाओ आप बाहर जाओ, यहाँ तो फेमस है यहाँ की फुलकी है ना, हाँ। और ये है जो पानी पूरी है डालो ऐसे ऐसे खाओ, और डालो दही डालो और चटनी भी डालो, जो मजा है उसके खाने में, चाट खाने में मजा है, गर्मा गर्म, बहुत गर्म था यार जल गए, वो जो मजा है, आसपास बच्चे रहे, कहाँ खेले कहाँ खेले, एक कान में उंगली डाल दे एक बाल खींचे, उसका जो मजा है वो कहाँ है संन्यास में। अरे कितना ध्यान करो यार, कितना सत्संग, बैठे तो हैं तब से 8:30 बजे से, मरे जा रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, कब से सुन, कितना सुनेंगे। अरे एक उपनिषद ज्ञान केन उपनिषद कठोर उपनिषद मुंडक मांडू किसने लिखा उसको, ये गीता का चैप्टर पहला दूसरा अध्याय आगे याद करते हैं, पीछे भूल जाते हैं, पीछे याद करते हैं आगे भूल जाते हैं, कब तक सुने ये सब। संन्यास शुष्क भी कुछ चेंज भी तो हो, घूमो फिरो नॉर्मल लाइफ जियो। संन्यास शुष्क ये अपमान था, अच्छा ठीक है तुमको हम फल देते हैं, एक अपनी पत्नी को खिला देना धुंधु को। अब ये गए, पत्नी बड़ी जोरदार, उसको लगा अगर हम फल खा लेंगे तो हमारा हम बच्चा होगा तो हु विल टैकल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी खुद में प्रॉब्लम है, और फिर बच्चे होने में दर्द होगा, सिजेरियन था नहीं उस समय। अब उसको लगा, तो उसकी अपनी बहन को बुलाया धुंधुली ने,
वो उस समय बच्चे उसको था, बोले सुनो तुम अपना बच्चा हमको दे देना, हमारे पति तुमको पैसा दे देंगे। वो फल गाय को खिला दिया। अब पाप भी हुआ पुण्य भी हुआ। पुण्य ये हुआ कि सन्यासी के पास गए वो, और पाप ये हुआ कि उनकी बात नहीं माना। दोनों का फल सेपरेट आएगा। अब उस पाप के फल स्वरूप बच्चा हुआ, उसका नाम हुआ धुंधुकारी, बहुत जबरदस्त बच्चा था। और पुण्य के फल स्वरूप उस गाय को बच्चा हुआ जिसका नाम था गोकर्ण जी। गोकर्ण इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सन्यासी, एकदम शांत। और ये राक्षस टाइप था, क्या धुंधुकारी, ये मारता था, बच्चों को मार देता था, हिंसा करता था, पिता की गाली देता था, मां को मार दे। अब ये हाथ रख लिए सर पे, कौन? उनका कि पहले वाज बेटर, कहाँ से आ गया? याद रखिएगा, जो चीज आपके पास नहीं है संसार की, आपको मिलने के बाद, हमारी बात आप याद रखिएगा, एक दिन आपको लगेगा आई वॉज बेटर विदाउट इट। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। नाउ यू आर क्रेविंग फॉर इट, अध्यात्म नहीं संसार की, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बेटे हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पौत्र हो, यू विल फील। लेकिन जब नहीं, जब आ जाएगी ना, उसके साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, पैकेज आएगा उसके साथ, डर, चिंता, एंग्जाइटी, आप लेंगे कहाँ आ गया, कहीं आई कैन कैन आई गेट माई डेज बैक। अब ये रोने लगे। ठीक है, गोकर्ण जी आए, कहा पिताजी बेटा बचा ला, बेटा हमको बहुत मारता है, आज बहुत मारा उसने, यहाँ पे मेरे हमारे बेटे ने हमको मारा। 74 श्लोक, 75, 76। असारा खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, सुतकस्य धनंकस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांद जीविनः, मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः, निपतिष्यति देहोयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजेत् व्रज। आहा, क्या मजा आता हमको पढ़ के, ऐसा लगता है झूम जाओ, ऐसा लगता है नाचो इसको पढ़ के। बोले पिताजी असारा खलु संसारा, ये कोई सारवार नहीं है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, उसने कैसे बोला है, ये पिछले जन्म ने कैसे बोला है, अभी आप लेटेस्ट हो, कोई प्यार वार नहीं है। जिस दिन आपको बहुत खांसी आएगी, आप बुढ़े हो जाएंगे ना, वही बच्चे आपको छोड़ देंगे, जरा आप खांस के दिखाइएगा। जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, भगवान न करे वो बिस्तर पे पड़ जाएंगे, हम ग्रहे हैं ऐसे घरों में। बेटे ने कहा स्वामी जी सुना आपने, घर डिस्टर्ब होता है मदर की वजह से, इसीलिए हम किसी को पार्टी में नहीं बुला पाते, किसी को घर में ला नहीं पाते, दिन भर खांसती रहती है मेरी माँ, हम सो नहीं पाते। मम्मी आप शांत रहो ना, शांत रहिए, क्या बोलो, शांत रहिए आप। पति पत्नी की मृत्यु की प्रार्थना करता है, वो तो आप यू आर अ मिल्किंग काउ, अभी आप दूध दे रहे हैं ना। घर में पैसा दे रहे होंगे, स्त्रियां तो काम कर रहे होंगे, दौड़ दौड़ के चाय बनाते होंगे, रोटी बनाते होंगे, चावल बनाते होंगे, गेस्ट को सर्व करते होंगे, आपका हाथ पैर आंख नाक काम कर रहा है ना, अभी तो आप दुधारू गाय हैं, कुछ नहीं है किसी का।
जिस दिन आप नहीं रहेंगे ना उसके बाद भी लोग हंसेंगे आपके नाम, कुछ नहीं, कोई कोई मिस यूज नहीं करेगा। यहाँ तो बोलना है मिस यू बिकॉज दे डोंट मिस यू, दे मिस योर मनी, दे मिस योर स्माइल, दे मिस योर लव, कोई नहीं किसी का है। ठुकाई कर रहे हैं यहाँ पे, भागवत में खूब ठुकाई होगी, वैराग का ग्रंथ है ये। नहीं, हम तुम हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारा तुमसे बहुत प्यार है, आ हा एक नई काली कार आती है, पुरानी गाड़ी को छोड़ देते हो, नई कार आ गई आपकी, नई अच्छी वाली लिया मर्सिडीज वगैरह, क्या छोटी सी लें, और पुरानी गाड़ी जो इतने दिन रही है उसको आप बेच देते हो, नया घर आ गया, पुराना घर, आप सब नई नई लेके, जैसे ही आपके लिए कोई चीज़ काम की नहीं होती ना, आप छोड़ देंगे उसको, आप दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा आपको छोड़ेगा, ना है भाई भाई का है, ना भाई बहन की है, ना बेटा बाप का है, ना बाप बेटा का है, ना पति पत्नी की है, ना पति पति का है। अरे शिष्य छोड़ देते हैं गुरु को जी, जब शिष्य को लगता है हम भी पढ़ा सकते हैं, हमारा भी नाम हो सकता है, गुरु को छोड़ देते हैं, वो बोले हम अपना खुद बना सकते हैं, खुद अपना नाम कर सकते हैं, क्या इस गुरु के साथ रहना बेचारे के साथ, पागल है, डांट पड़ती रहती है, इसके खाने के बाद खाना, सोने के पहले सोना, ये सब क्या है, छोड़ो, आई डोंट नीड हिम एज मच। वो भूल जाता है कि जो कुछ नहीं था तब गुरु ही सब कुछ था। सच बोल रहे हैं आपसे, नहीं देखा आपने, असारा खलो संसारा दुख रूपी विमोह का, इसमें दुखी दुख है, सुतः कस्य धनम कस्य, किसका बेटा किसका धन, आपने पैसा जमा किया है ना अच्छा खासा, बैंक में करोड़ तो होगा आपका, आप जब नहीं रहेंगे ना तो बेटे ऐश करेंगे उससे, दान तो दिया नहीं, ऐश करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, हाँ, और जो गहना रखा ना बढ़िया सा ऑर्नामेंट रखा ना, हाँ, जो आपके सास ने आपको दिया था, सास की कितनी सेवा कर लिया, हाँ, जो बढ़िया रखा, जो बहू को देने वाले हैं, हाँ, वो सेवा कुछ नहीं करेगी, ले लेंगे गहना बढ़िया से, हाँ, वो पहन के घूमेगी, शादी वादी में जाएगी ना, ऐसे ऐसे करके जाएगी, इधर चले इधर से, सारी स्क्रू ढीले हैं, इसी को टाइट कर रही है। अब वो अपना दिखाएगी कितना हमारा जेवर अच्छा है, जाड़ा रहेगा, स्वेटर नहीं पहनेंगे, शॉल नहीं पहनेंगे, जेवर कैसे दिखेगा, है तो जाड़ा, सब पहन के आओ, वो नहीं पहनती, दिखेगा कैसे भाई, ऐसे से जाना है, कोई सुख सुख नहीं है किसी चीज में, अच्छा खाना खा के देख लो ना, जो बढ़िया पेट का हाल होता है, अंडा जो तांदो मचता है, हाँ, वो जो मूंग की दाल है चटनी को मानती, बोले हटो यहाँ से हट, वो इधर से मारे, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वहां दर्द हो रहा है, आए राम रे, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न। शमशान घाट में हम रहे हैं, आपको पता है हमारा शौक था, कॉलेज से जाते नहीं थे, एक क्लास करते थे फिर शमशान घाट में जाके बैठ जाते थे, वहां हम देखते थे लोग कैसे आते हैं, कैसे छोड़ के चले जाते हैं, कैसे पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, वहां पे दाह संस्कार हो रहा है, और यहां बोले सरकार गिर जाएगी नहीं उनकी, बच्चे लोग बोले घड़ी अच्छी है हमारी, देखो नहीं खरीदा, वहां मिट्टी जल रही है, हाँ। कैसे एक्टिंग करते हैं, शोक की एक्टिंग करते हैं, खूब पकाया है हमारे मन को भगवान ने ऐसे करके, जब कोई दुख देता है ना हमको, हमें खूब खुशी होती है, हमको लगता अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, पको अच्छे से। देखो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बोले आप अज्ञान को छोड़िए पिताजी, 17
9 श्लोक, देहे अस्थि माम सुरदिरस्थि मतिम मतिम त्यजत्वम। ओड़िया बाबू को बहुत पसंद था ये श्लोक। बोले इस हड्डी के टुकड़े पे आपने मैं बुद्धि रखे रखा है। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस जगत को आप क्षणभंग निष्ठम, इसकी निष्ठा का क्षणभंग है नहीं है। अभी तो थे यहाँ बैठते थे, नहीं अब खाली चेयर है, नहीं है, नहीं है, कन्विशन हो गया, चले गए, खत्म हो गए। यही इनका बेड था, अच्छा हाँ यहीं पे सोते थे, कोई इनके कबर्ड को छू नहीं सकता था, अच्छा हाँ, वेरी पजेसिव अबाउट हिज क्लोथ्स। अब आप तो सब लूट लिए, क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी राग है तो वैराग कर लीजिए आप, यू इंजॉय इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब इस बात को बताई कि हमको बहुत सुख फुख नहीं है, सब दिख रहा है, सब 2 दिन का है, चम 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 खत्म हो गया, ठीक है। हाँ तो बोलिए, मेरा मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा दिल का, मेरे मेरे मुन्ना, मेरे स्वीटी, दिल का टुकड़ा, किडनी का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, मेरे मुन्ना, मेरे मेरे दिल का, ओ स्वीटी, माय स्वीट हार्ट। अच्छा हर्ट होगा वो, बिटर हार्ट में बदलेगा स्वीट हार्ट। अब इन्होंने अपनी माँ को मार डाला, कुएं फेंक दिया, अच्छा था ना पहले। अब इन्होंने धुंधुकारी की जब मृत्यु, वेश्याओं ने इसको मार डाला, ये बन गया प्रेत। कौन? धुंधुकारी। अब प्रेत बन गया, अब भागे, प्रेत प्रेत समझते हैं ना। बोले भूत प्रेत होते हैं क्या? क्यों यहां भी हैं? बांस कहाँ गया भाई? अच्छा उधर लगा है, अच्छा है वहां, अच्छा। प्रेत मतलब आपकी शरीर 80 साल की उम्र थी, 40 साल में मृत्यु हो गई, जो जो 30 साल बाकी है ना, स्टिल यू आर देयर, यू थिंक आई हैव द सेम बॉडी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, उसको बोलते हैं प्रेत। मतलब कोई जल रहा हो लेकिन कुछ कर नहीं सकता, उजलता रहता है, प्रेत शरीर होता है, योनि है एक। इसने बड़ा मारा जलाया था, भगवान ने प्रेत बना दिया। ये भी एक दंड है, आई मीन यू कांट एक्सप्रेस। तो उनके पास वायु शरीर होता है, तो वायु शरीर से केवल आवाज कर सकता है, हाँ जैसे ढक्कन है घर में, उसको हिला सकता है, वो पर्दा हिला सकता है, बेड हिला देगा अंदर से, हाँ पता लगा आप, आपको पैर दबाने का बड़ा शौक था, तो पता नहीं किसी ने हाथ में रात में पैर ही दबा दिया, चला गया, ये प्रेत है, हाँ ये प्रेत योनि है। एक एक कंबल था, किसी ने हटा दिया, उड़ा दिया, मतलब वायु शरीर है उसका। एक एक हवा इधर चल चल गई, एक एक कहीं हवा नहीं थी, बस चेहरे पे हमारे आ गई, एक एक वो जो गिलास थे गिर गई नीचे। सब होता है, हाँ होता है। अभी बड़ा परेशान, गोकर्ण जी सब जगह गए, ये सब देख रहे थे घर का हाल, कौन उसी घर में रहते थे ये, शांत। देखा आपने, अब ये जब एक दिन गोकर्ण जी आए तीर्थ यात्रा से, अब ये रात में कभी जानवर बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कौन? धुंधुकारी उड़ गए आधी रात में, बताओ खटपट खटपट हो रहा है, डरे नहीं कि भाग गए हों? कभी आप अकेले हों कमरे में, अंधेरा हो, और कभी धड़ाम धड़ो मंदिर हो जाए, हाँ और कोई खटखटा दे ऐसे ऐसे, और आपके ऊपर जो एक कुछ जो आपने ग्लास रखा था चम्मच, ऐसे टन 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 बोले या हिल जाए, तब देखना क्या हाल है। साधना देखिएगा अपनी, क्या विश्वास है, हार्ट अटैक हो जाए लोगों को। या कभी कोई आदमी दिख जाए सर ही नहीं उसका, अब इनको दिखाइए, शांत, कौन हो?
बोला तुम्हारे भाई धुंधुकारी हैं, हमारी ये दशा इसलिए हुई है क्योंकि हम पापी हैं। हर पापी जानता है कि हम पापी हैं। इसके पहले कि रिजल्ट आया पहले उसका पश्चाताप कर लो। कहा क्या चाहिए तुमको? बोले ऐसा साधन बताओ जिससे कि हम मुक्त हो जाएं। गोकर्ण तुम संत हो, तुम्हारे पास ही कुछ रास्ता है। गोकर्ण को मतलब नहीं तो छोड़ के चल देते, लेकिन संत का मतलब ही है जो दया हो जिसमें हो। गोकर्ण जी ने प्रार्थना किया, सूर्य से प्रार्थना किया। सूर्य ने उनसे बोला कि श्रीमद् भागवत सप्ताह करो, इसको सुनाओ। अब उन्होंने गोकर्ण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह किया। किसने? सॉरी, धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जी ने किया। पहले स्कंद से कथा शुरू की, सबको बुलाया, दूर दूर से जो लोग पसंद नहीं थे उनको ही बुलाया, जो लोग बात नहीं करते थे उनको ही बुलाया, जो बात करते थे उनको ही बुलाया। और एक एक दिन में वो जो गांठ होती है, उसकी गांठ है, सात गांठ होती है, पता नहीं इसमें है कि नहीं सात गांठ, ये है सात गांठ। अच्छा, तो एक एक दिन में इसकी वो जो पोल होता है, द हॉलो इन साइड द बैम्बू, वो उसके अंदर चला गया गोकर्ण, और टूटती गई। और सात दिन के बाद एक विमान आया उसके लिए। किसके लिए? धुंधुकारी के लिए। वो पार्षद हो गया, वो तो चला गया, यहां बाकी लोग खड़े रह गए मुंह बाकी। भाई गोकर्ण जी का एक मिनट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम क्या थी हम लोग में? प्रॉब्लम तो ये, प्रॉब्लम क्रिएटर यही था। अब हम लोग तो यहीं रह गए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला कि क्या बोला? मननम तथा न तेन स्थिर चित्ते कृतम विषम। ये अनन्य भाव से सुन रहा था, उसको सुन रहा था, उसको लगा कि कुछ सलूशन मिल जाए, कुछ हमको प्यार मिल जाए, कुछ हमारा ताप चला जाए। उसके दिमाग में वही बात दिन रात बैठी रहती थी। उसने इतना मनन किया। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभात् साधुरेव समन्तव्यः व्यवस्थितो हि सः। इतना इसने पाप किया था लेकिन उसने सब छोड़ दिया, और जो वृत्ति बनाई गई दिन रात रखा था उसने उस वृत्ति को, इसलिए सात दिन लगातार उसकी ईश्वराकार वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से मुक्त हो गया। और इधर जो लोग बैठे थे ये सुन के कुछ और सोचते थे, कुछ और करते थे, इनकी में और प्रायोरिटीज भी थी। उनकी मन में जलन नहीं थी। जाओ को बहुत दर्द होता है ना पेट में, हाथ में, बस आप कितने अनन्य होते हो डॉक्टर के या दवाई के, बता दो डॉक्टर साहब क्या करें। ये नहीं बोलते कभी और खा लेंगे, दवा दे दो कभी और खा लेंगे, और भी तो खाना भी, हलवा भी तो है घर में, पूड़ी भी तो रखी है। हाँ, हलवा पूड़ी भी रखी है, मालपुआ भी रखा है। नहीं, हमें दवाई दे दो, कैसी भी दवाई दे दो। जब बहुत किसी को जलन होती है ना, बहुत संसार हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए, हम बहुत, तब जाके आदमी अनन्य हो जाता है। उसको सही कहीं पे सुख नहीं देखता, एक जगह सुख देखता है। और ये मुक्त हो गया। इन्होंने बोला कि आप फिर से कथा करिए। किसने? बैकुंठ से जो आए थे गोकर्ण जी ने फिर से कथा किया, और फिर सारे लोगों की मुक्ति। ये कथा का महात्म्य है। ये पूरा हुआ महात्म्य का अध्याय। तो फर्स्ट चैप्टर पे हम प्रवेश करेंगे अगले सत्र में 4 बजे से। आप लोग तैयार होके आइएगा, मतलब मेंटली तैयार होके। आरती वारती है कुछ? है आरती? अच्छा, नहीं है? नहीं है तो शाम को कर लेंगे। है? छोटी सी आरती करते हैं। इतनी कथा होने के बाद भगवान आ गए हैं, ऐसे नहीं भेजना चाहिए उनको। आइए, हमारे पीछे आप बोलिए।
जल्दी जल्दी बोलिए। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल आरती प्रिया मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल कांति हसनी दसनन की, मंगल मुरली बीना धुन की। मंगल बनिक त्रिभंगी हरि की, सब सहचर की। मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की, मंगल छवि नयनन में अटकी। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल छटा फभी अंग अंग की, मंगल छटा फभी अंग अंग की। मंगल गौर श्याम रस रंग की, मंगल गौर श्याम रस रंग की। मंगल अति कटि पियरे पट की, मंगल अति कटि पियरे पट की। मंगल चितवनी नागर नट की, मंगल चितवनी नागर नट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दो। मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल शोभा कमल नयन की। मंगल माधुरी मृदुल बैन की, मंगल माधुरी मृदुल बैन की। मंगल वृंदावन मगट की, मंगल वृंदावन मगट की। मंगल क्रीडन जमुना तट की, मंगल क्रीडन जमुना तट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दो। मंगल चरण अरुण तरुवन की, मंगल चरण अरुण तरुवन की। मंगल करनी भगति हरि जन की, मंगल करनी भगति हरि जन की। मंगल जुगल प्रिया भावन की, मंगल जुगल प्रिया भावन। मंगल श्री राधा जीवन की, मंगल श्री राधा जीवन की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोन की। मंगल प्रीति रीति दोन। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।